शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमामि मीशान निर्वाण रूपम् विभुम् व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम् चिदाकाश माकाश वासं भजेहम्। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। आओ चाय लीजिए बाबूजी। आज मैंने आपकी चाय में सिर्फ एक ही चम्मच शक्कर डाली है। क्यों भाई, तुम मालूम है चाय में दो चम्मच शक्कर पीता हूँ। लेकिन आज से सिर्फ एक ही चम्मच लेंगे। इसके तीन फायदे हैं। फायदा नंबर एक, एक कप चाय के ऊपर अगर एक चम्मच शक्कर रोज बचाई जाए
तो महीने भर के अंदर एक किलो शक्कर बचेगी। फायदा नंबर दो, शुगर की यानी शक्कर की बीमारी होने का कोई चांस नहीं। और फायदा नंबर तीन, चर्बी नहीं बढ़ेगी। तो इसके फायदे ही फायदे हैं, इसलिए आज से शक्कर कम। अच्छा, मेरा फार्मूला मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, जो बात घर में सीखो उसे सबसे पहले घर में ही आजमा कर देखो, ये बुजुर्गों ने कहा। कौन से बुजुर्गों ने कहा है? आप ही ने तो कहा है। अच्छा बाबा, तू जीता मैं हारा, चल तैयार हो जा। मैं तो तैयार हूँ, बस अजय और विजय भैया को जगा कर। चल चल। विजय भैया, सपना भाभी, क्या है? अरे सुबह सुबह जागा करो, भगवान से जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या खाक मिलेगा भगवान जी से? पति भी तो भगवान का दूसरा रूप होता है। दिन में 300 बार इस भगवान जी से कहती रहती हूँ, मेरे गले में दर्द है, मगर इनके कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। मैं क्या करूँ सपना, मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे गले का इलाज बहुत महंगा है। क्यों अपने कंजूस बाप की तरह बातें करते हो? एक मामूली हीरो का हार ही तो है, ला दो ना मुझे हीरो का हार, गले में डालते ही मेरे गले का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन सपना, मैं क्या समझाऊं तुम्हें? लेकिन मैं क्या समझूं? क्या फायदा उस दौलत का जो तिजोरी में पड़ी सड़ती रहे? अरे वो दौलत मेरी नहीं, मेरे बाप की है, जो नाक की तरह फन फैलाए उस पर बैठा रहता है। अजय भैया उठो, सूरज निकल आया, उठो। अरे सूरज का तो दिमाग खराब है, उसे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? अरे बाबूजी के साथ वॉक पे नहीं चल रहा क्या? तू एक काम कर, तू बाबूजी के साथ जा, मैं बाद में आता। गुड मॉर्निंग। कहेगा गुड मॉर्निंग, तू इंटरकॉम पे पैसे वैसे की क्या बात करता रहता है? नहीं, इस टॉपिक पर मैं बाद में आऊँ। बाद में कब? खाने के बाद। सेठ जी, अपनी इमामी प्रोडक्ट आज देश के कोने कोने में इस्तेमाल हो रही है और इनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में भी बढ़ती जा रही है। वो भी मालूम है। मालूम है ना, ये रेडियो प्रोग्राम तैयार किया मालूम है। मैंने, सुनिए इमामी का रेडियो प्रोग्राम। अच्छा है, एक काम करो, इस स्पॉट को ऑल इंडिया रेडियो भेज दो। जी, आप इस रेडियो प्रोग्राम से खुश है ना? बहुत खुश हूँ। तो इस खुशी के मौके पर मैं अपने दिल के छाले आपके सामने फोड़ना चाहता हूँ। बाहर जाके फोड़ो, कालीन खराब हो जाएगा। जी नहीं नहीं, मैं उन छालों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनसे कालीन खराब होता है। दरअसल सेठ जी, मैं आपका ADS, ADS का मतलब है असिस्टेंट, ड्राइवर, फिर सेक्रेटरी, तीन तीन काम करता हूँ और पगार मिलती है एक काम की। सेठ जी मुझे तीन पगार मिलनी चाहिए। तो एक काम करो जी, तुम आज से तीन नौकरी मत करो, सिर्फ एक नौकरी करो। वो कैसे? तुम सिर्फ असिस्टेंट की नौकरी करो। अच्छा, मगर असिस्टेंट ऐसा जो ड्राइविंग जानता हो, और ड्राइवर ऐसा जो सेक्रेटरी का काम जानता हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। दोपहर में आते हो और मॉर्निंग का सलाम करते हो। सॉरी सर। अमोश, आई एम सॉरी सर। ये अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, मगर हिंदुस्तानी के लिए सॉरी का लफ्ज छोड़ गए। किसी का खून कर दो, सॉरी बोल दो, छूट जाओगे? आइंदा का लेट आओगे तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? यस सर। अकाउंट तैयार कर लिए? यस। लो ADS? जी। जरा ये टोटल करना था। बोलिए। 7,777 रुपए जी, प्लस 8,888 रुपए 6 पैसे, प्लस 9,999 रुपए, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ जी 26,664 रुपए और 6 पैसे। ये आपने कितना टोटल किया? 26,664 रुपए, 6 पैसे कहाँ गए? जी वो जल्दी में सिर्फ 6 पैसे लिखना भूल गया सर। सिर्फ 6 पैसे? तुमको मालूम है ये पैसा क्या होता है? एक एक पैसा जमा करो तो 1 रुपया बनता है, 1-1 रुपया जमा करो तो 100 रुपया बनता है, 100 रुपया जमा करो तो 1,000 बनता है, 1,000 जमा करो तो लाख, और लाख से करोड़ बनता है। ये एक पैसा करोड़ रुपए का बीज है। जो आदमी बीज की परवाह नहीं करेगा, न वो फसल उगा सकता है, न फल पा सकता है। ADS? यस सर। इस नाकार आदमी की किसी दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर करो। ओके सर। अरे डॉली, ये क्या कर रही हो? अगर रेस्टोरेंट में बैठ तुम्हें रेस की किताब ही पढ़नी थी तो मुझे क्यों साथ लाए? अरे डार्लिंग, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। पैसों के पीछे खुद तो मैं भाग दौड़ कर नहीं सकता, इसलिए घोड़े दौड़ा रहा हूँ। मैम साहब, बिल। हाँ। आज बिल मैं दूँ। अजय, आज तुमने होटल का बिल चुकाया, लगता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जेब खर्च देना शुरू कर दिया है। मेरा बाप और जेब खर्च? वो तो कंजूसी का कुत्ता बिनार है। तो फिर ये नोट कहाँ से आया? अरे ये तो हाथ की सफाई है, वहाँ बाहर गई थी, वहाँ पूजा का बक्सा पड़ा था, खोला तो देखा कुछ नोट पड़े, एक नोट उठा लिया।
आगे बढ़ते रहो। एक्सक्यूज मी मैडम, थैंक यू। टिकट प्लीज। हाँ भैया, वर्ली नाका देना। वर्ली नाका, ये दो टिकट किस लिए? एक आपका और एक मैम साहब का। जी नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अकेला है? ये एक टिकट वापस लीजिए। ओ सॉरी, मैं समझा मैम साहब भी आपके साथ में। वैसे तो पूरी बस मेरे साथ है, सबकी टिकट थोड़ी लूंगा। सॉरी कंडक्टर। हाँ सर, दोनों टिकट इधर लाओ। हाय राधा। हाय गुलू। अरे वहाँ कहाँ कंजूसों के साथ बैठियो, यहाँ आओ ना। चलो भाई टिकट। प्लीज उल्लू के साथ बैठिए। थैंक्स गुलू। किस बात का? तुमने जो मेरा टिकट निकाला, दरअसल मेरे पास में छुट्टे पैसे भी नहीं थे। अरे हमको इतने कंजूस या कड़के थोड़ी है कि अपनी क्लासमेट का 50 पैसे का टिकट भी नहीं निकाल सकते। ठीक है। अरे क्या खाक ठीक का, इस महंगाई और बेकारी के दौर में जहाँ 10 पैसे भी कमाना मुश्किल पड़ता है, किसी अनजान इंसान पर 50 पैसा क्यों खर्च करे? नहीं ठीक है, ठीक है, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। क्या खाक ठीक कहा, महंगाई का असर गरीबों पर पड़ता है। एक करोड़पति बिजनेसमैन की औलाद के लिए 50 पैसे की क्या कीमत है? ठीक है, ठीक है, आपने भी ठीक कहा। अरे क्या खाक ठीक कहा, फजूल पैसा खर्च करना अय्याशी है, गुनाह है। आपने तो बिल्कुल ही ठीक कहा। नहीं चाचा, अभी मेरे को इतना दिन हो गया आपकी बस में ट्रेवल करता है, मैं कभी गलत बात बोला? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भेड़िया भेड़िया, वाह वाह क्या बात बोला। सेठ जी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, फरमाइए आज हम गरीबों की याद कैसे आ गई? सेठ जी हम लोग इसी इलाके में रहते हैं, कभी कभी समाज सेवा यानी सोशल वर्क भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ भाई। तो सेठ जी, इस इलाके में एक ही चीज की कमी है। किस चीज की कमी? जी हम लोग सोच रहे हैं इस इलाके में एक स्विमिंग पूल हो जाए तो अच्छा है। स्विमिंग पूल? जी सेठ जी, हम इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहुत नेक ख्याल है भाई, मैं खुद सोचता हूँ इस इलाके में स्विमिंग पूल का होना बहुत जरूरी है। देखा, सेठ जी का भी यही ख्याल है। क्या बात है, स्विमिंग पूल के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। जो इंसान तैरेगा नहीं वो किनारे पे उतरेगा कैसे? क्यों क्या पता बोला करो, अब जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं। अब सरकार सड़कों पे बड़े बड़े खड्डे खुदवा देती है, उसमें पानी भर जाता है, अंधेरे में लोग उसमें गिर जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। मर खड्डे के नाम पे सरकार स्विमिंग पूल बनाकर नहीं देती है, बहुत अच्छा कर, मुबारक हो जाए। शुक्रिया। लेकिन सेठ जी, अगर आपकी तरफ से कुछ मदद, कुछ डोनेशन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओफो, डोनेशन चाहिए तो सीधे कहो ना, घुमा फिरा कर शर्मा कर बोलने की क्या जरूरत है। डोनेशन के लिए आप लोग कोई बड़ा सा बर्तन लाए? बर्तन मतलब? अरे मतलब साफ है सेठ जी, बहुत अच्छे मूड में है, बहुत बड़ा डोनेशन देंगे, बर्तन भर के चंदा देंगे, उसमें कूद पड़ो। लाए हैं कि नहीं बर्तन? बर्तन लाए? बर्तन? बर्तन? आ, नहीं लाए तो कोई फिक्र की बात नहीं, मैं देता हूँ आपको। ये लीजिए, ये पूरा बाल्टी पानी मेरी तरफ से चंदा ले लीजिए और इसको स्विमिंग पूल में डाल दीजिए। क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक खड्डे की, दूसरे पानी की। खड्डा तो सरकार खुदवा देती है, पानी मैं देता हूँ। लेकिन ये अपन, मगर ये बाल्टी बाद में वापस कर देना, बहुत महंगी है। हाँ, कल से इसमें तैरना शुरू कर दो। क्यों बे, बड़ी बड़ाइयां मार के लेकर आया था कि सेठ जी से चंदा दिलाऊंगा। अरे ऐसे कंजूस आदमी ने एक बाल्टी पानी दे दिया, ये किसी चंदे से कम है? जो आदमी पानी से नहीं, पानी के फोटो से नहाता, जो साबुन को कंबल में लपेट कर रगड़ता हो, उसका एक बाल्टी पानी देने का मतलब है लाखों रुपए का चंदा, समझे? अबे तेरी तो लीडरों से मजाक करता है। मुबारक हो अब्दुल दाऊद सुलेमान का सलाम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल होली के उत्सव पर हमारा क्लब एक ऐसे व्यक्ति को मेडल देता है जिसने पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या सोशल वर्क में सबसे ज्यादा नाम कमाया हो। लेकिन आज हमारे क्लब की तारीख बदल रही है, हम एक ऐसे व्यक्ति को मेडल देने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस है। मुझे बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि 1,00,000 कंजूस मरे होंगे तो 1,00,000 कंजूस पैदा हुआ, और वो है शहंशाह कंजूसों का महाकंजूस सेठ धनीराम। आइए सेठ धनीराम जी। हाँ जी, मेडल लेने मत जाइए, ये आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती है। मुफ्त में मेडल मिल रहा है, लेने कैसे नहीं जाऊंगा? जाऊंगा। आ रहा हूँ भाई। भाइयों, ये मेडल देकर जो मुझे कंजूसियत की शंशाइयत की गद्दी पर बिठाया गया है, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। क्या है कि ये मेरे नौजवान दोस्त, ये समाज की भलाई चाहने वाले, मेरे पास आए थे चंदा मांगने के लिए कि इस इलाके में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाना है। मैंने चंदा देने से इनकार कर दिया,
और ये कंजूसियत का मेडल उन्होंने मुझे पहना दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ और भी गम है जमाने में स्विमिंग पूल के सिवा। मुझे भी लड्डू दो ना। लड्डू मांगते हैं, बड़ा है लड्डू मांगने वाला। चल भागा से। मुझे भी लड्डू दो ना, भूख लगी है। चल भागा से, निकल यहाँ से। मुझे भी लड्डू दो ना। ठहरो ठहरो, एक मिनट। बच्चों की हमदर्दी में स्विमिंग पूल बनाने वालों, ये भी बच्चे ही है, ऐसे निकाला जाता है। ले बेटा, आज स्विमिंग पूल बनाएंगे। दोस्तों, आज के इन बच्चों को स्विमिंग पूल से ज्यादा रोटी की जरूरत है, यतन ढांकने के लिए कपड़े की जरूरत है, सर छुपाने के लिए छत की जरूरत है, और कल किसी चौराहे पर खड़े होकर भीख न मांगे, अपना भविष्य अपने हाथों बनाए, उसके लिए शिक्षा की जरूरत है। वही ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे, स्विमिंग पूल बना रहे हैं। क्या पूरी कौम को डुबाओगे स्विमिंग पूल में? दोस्तों, स्विमिंग पूल बनाने से पहले एक बार गरीबों की गंदी बस्ती में जरा झांक कर देख लीजिए, सिर्फ एक बार। देखिए वहां इंसानों के बच्चे जानवरों से बदतर जिंदगी कैसे गुजारते हैं। उन बच्चों के आंसुओं को अगर जमा कर लोगे तो तुम्हारा स्विमिंग पूल खुद भर जाएगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जहां तक मेरे कंजूस होने का संबंध है, मैं इस लफ्ज से बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक मां जिसके कई बच्चे हों और आप जाकर उस मां से उसका एक बच्चा मांगे, तो वो मां अपना बच्चा आपको देगी? कभी नहीं देगी। इसी तरह मैं भी अपनी मेहनत से कमाए हुए अपने एक एक पैसे को अपनी औलाद समझता हूं। अगर वो माँ अपना बच्चा नहीं देगी तो मैं भी अपना बच्चा आपको मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर वो माँ कंजूस है तो मैं भी कंजूस हूँ, और मुझे अपने कंजूस होने पर फख्र है, शर्मिंदगी नहीं। अगले साल से होली अभिनंदन समारोह कैंसल। देख रहे हो विजय भैया, हमारे बाप का ये पूरा कमरा दौलत से भरा हुआ है और हम कंगालों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जानता हूं अजय, जिन लोगों के बाप सिर्फ लखपति होते हैं वो ऐश और आराम की जिंदगी गुजारते हैं, और एक हम हैं कि अनगिनत दौलत होते हुए भी एक गरीब मिल मजदूर की औलाद की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गुड मॉर्निंग अजय मियां। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। कौन सी नौकरी? क्लर्क की। अरे घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लीजिए, मैं इनको नौकरी की खुशखबरी दे रहा हूँ, और ये ऐसे मुंह बना रहे हैं जैसे 10 बाल्टी करेले का जूस पी लिया हो, कड़वा कड़वा। अजय बेटा, ये लो प्रसाद। प्रसाद के साथ थोड़ा आशीर्वाद भी दीजिए माँ जी, ताकि अकल के दरवाजे खुल जाए। लो बेटे, देखो बेटे, आज तुम्हारे फैक्ट्री जाने का पहला दिन है। खूब मेहनत से दिल लगाकर काम करना। इंसान मेहनत की सीढ़ियां चढ़कर ही तरक्की की ऊंचाई तक पहुँचता है। बस करो माँ, ये मेहनत, ये लगन, इन सब शब्दों से मुझे सख्त नफरत। अजय बिल्कुल ठीक कह रहा है माँ, मेहनत वही करते हैं जो मजदूर की औलाद होते हैं, हम क्यों करें? हम तो फैक्ट्री के मालिक से धनीराम की औलाद हैं, और फिर हमारी इज्जत क्या है? अपनी फैक्ट्री में एक भाई क्लर्क तो दूसरा मजदूर, कितनी शर्म और जिल्लत की बात है ये। अपनी फैक्ट्री में काम करते हुए तुम्हें शर्म महसूस होती है, जिल्लत महसूस होती है? वाह, ये तुम्हारी माँ, इसे 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, तुम्हें जन्म दिया, उसके बाद किसी आया के हवाले नहीं किया, अपने हाथों तुम्हारी परवरिश की, इसको तो जिल्लत महसूस नहीं हुई? और तुम्हारा ये बाप सारी जिंदगी तुम्हें खुद स्कूल ले जाता रहा, फिर दिन भर काम करता रहा, इसे तो अपनी औलाद की खुद परवरिश करने में कभी भी जिल्लत महसूस नहीं हुई, पर तुम्हें जिल्लत महसूस होती है? एक बाप की हैसियत से मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया, तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की, मगर तुम औलाद का फर्ज न निभा सके। तुमने ना कोई डिग्री हासिल की, ना कोई ट्रेनिंग हासिल की, इसलिए आज अपनी फैक्ट्री में तुम लोग मामूली क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे हो। बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए सिर्फ बड़े बाप का बेटा होना जरूरी नहीं है, बड़े कैरेक्टर का होना जरूरी है। अपने छोटे भाई रवि की तरफ देखो, वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं है, फैक्ट्री में काम भी करता है। मैं भी मेहनत करता हूं, और तुमसे भी मेहनत की उम्मीद रखता हूं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वक्त की कदर करना सीखो। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। नाकदर इंसान के बाद जब भी वक्त आता है, बुरा वक्त बनकर आता है, याद रखना मेरी इस बात को। अजय बाबू जी, ये लीजिए 5,000 रुपए। क्या करूं इनका? इस नाम का एक बैंक ड्रॉप बनवा लाइए। Come on!
टॉली, मैं पूरा 5,000 रुपया रेस में हार चुका हूँ। अगर ये रुपया मैंने बैंक में नहीं जमा किया तो पिताजी मुझे मार मार के मेला होलिया बिगाड़ देंगे। डोंट वरी अजय, मैं तुम्हें ऐसा फैंटास्टिक हार दूंगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारना भूलकर गले लगा लेंगे। 6% तो बहुत कम होता है। कम से कम 7% होना चाहिए। नहीं नहीं, 12% 12% होना चाहिए। तुम्हारे चाचा का राज है क्या? उसे एक पैसा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है तो फिर 7% कर दीजिए ना। है, कौन है भाई? बाबूजी, माँ। अजय बेटा, ये क्या हो गया? अकाउंटेंट ने मुझे 5,000 रुपया दिया था बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए। मैं बैंक जा रहा था कि रास्ते में मुझे बोलो बोलो बेटे, क्या हुआ रास्ते में? माँ, रास्ते में मुझे 3-4 आतंकवादी मिल गए। आतंकवादी? हाँ माँ। हे भगवान! अरे तुम एक मिनट ठहरो मुझसे। हाँ बेटे आ जाए। फिर उन्होंने मार मार के मुझे हाथ भरा कर दिया। बाबूजी, वो सारे का सारा रुपया लेकर भाग गए। माँ, उन बदमाशों ने मुझे बहुत मारा माँ। मुझे रो मत अजय बेटे, रुपए चले गए तो क्या हुआ? शुक्र है भगवान का, तेरी जान तो बच गई। हाँ, तुम भी ठीक कहती हो। पैसा चला गया तो क्या हुआ, कम से कम जान तो बच गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा गया तो कहाँ गया? लूटा किसने? वो लूटने वाले आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, इलाहाबादी थे, हैदराबादी थे या नामुरादी थे? तो हम लोग क्रिकेट के अंपायर बनकर किसी के साइड न लेते हुए पैसे के आउट होने का रिजल्ट सुनाएंगे। जी। एडियस जी, कमेंट्री के साथ पूरा एक्शन रिप्ले सुनाओ। जी। अरे बाप रे! इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। टीम की हालत बहुत खतरनाक है। वो दिखाई दे रहा है। अजय बाबू, धनीराम एंड की तरफ से 5,000 रुपए अपने अकाउंटेंट से लेकर बैंक की तरफ जा रहे हैं। गली में से निकलकर विडॉफ की तरफ मुड़े और अचानक अपनी प्रेमिका ट्रॉली को ट्रॉली कैच की तरफ पकड़कर रेस कोर्स की तरफ पहुंच गए। तालियां! और 7 नंबर के घोड़े पर सारा पैसा लगा दिया। ये देखिए 7 नंबर का घोड़ा 7वीं रेस में 7वें नंबर पर पहुंच गया। दे, 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 दे। और अजय बाबू अपने सारे पैसे हार गए। आज के मैच का आंखों देखा हाल खत्म हुआ। मैं एडीएस यानी अब्दुल्ला दाऊद सुलेमान आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर श्री धनीराम जी को माइक्रोफोन देता हूँ। मेरी राय में रवि, तुम्हारे भाई की हालत इस वक्त बहुत खराब है, तो क्यों ना तुम उनको उनके जख्मों से छुटकारा दिला दो। क्या राय इस बारे में तुम्हारी? जी, वो 1957 में लाला अमरनाथ ने भी यही राय दी थी और हमने उस पर अमल किया था। तो फिर आज भी कर डालिए। एक्सपर्ट कमेंटेटर धनीराम जी, जी आज के मैच में कुत्ते नजर नहीं आए। कुत्ते खुद मैच खेल रहे तो नजर कहाँ से आएंगे? ओह, थैंक यू। ये देखो कितना गहरा जख्म है माँ। शाबाश मेरे बेईमान सिपाही। अरे जिस बाप की तुम जैसी बेईमान औलाद हो उसको बर्बादी के लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? भगवान की कृपा से तुम ही काफी हो। अब बेगरत की तरह खड़े क्या हो? जाओ अपना हुलिया ठीक करो और जाकर कहीं इज्जत का पानी तलाश करो, और अगर मिल जाए तो उसे अपनी आत्मा का गंदा मुंह धो लेना। जा यहां से। नालायक, चोर, घर में डाका डालने वाले। फिर क्या हुआ? होना क्या था, तुम दबा के भाग गया। अच्छा, फिर तो बेचारे की क्या हालत होगी। यार छोड़ो, चलो राधा एक कप चाय पीते हैं। अच्छा चलो। हेलो, कल कॉलेज में बैडमिंटन का मैच है और लगता है हर साल की तरह इस साल भी साला रवि ही कप जीतेगा। नहीं प्रेम, रवि इस साल नहीं जीतेगा। वो कैसे राधा? वो ऐसे, इस साल मुकाबले में मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हाँ गुलू, मैं भी रवि को नीचा दिखाना चाहती हूँ। श्योर राधा, मैं उसकी ऐसी हालत बनाऊंगा कि जिंदगी भर किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। थैंक यू राधा। Yeah!
चैंपियन सर्विस है उसकी। सेवन लव। लगता है पिछले साल गलती से चैंपियन बन गया था। इस कमीने की बेईमानी, शटल कॉक के अंदर लोहा लगा कर लाया है। ये झूठ बोल रहा है सर, ये बेईमानी कर रहा है। अरे शटल कॉक क्या मेरे घर में बनता है? अभी तुम हारने लगा तो रोता। इधर शीट, इधर साला बेईमानी खुद करता है, इल्जाम मुझ पर लगाता है। झूठे मक्का, तुम्हारा क्या भरोसा? तुमने असली शटल कॉक छुपा लिया और जेब से लोहे वाला शटल कॉक निकाल लिया। सर ये झूठ बोल रहा है, सुनो तुम लोग। अरे नहीं सुनो, मेरे फ्रेंड की बेइज्जती की है। इस बेइज्जती का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। घर तेरे सावन का पे मेरे।
सलामत नजदीक आमत तू रूप की कोई आनी रे रास्ता ना मेरा तू भुला दे रे होश मेरे गई ना उड़ा दे रे थैंक यू भाभी ये पूजा का कमरा नहीं खजाने का कमरा है हाँ सपना इस कमरे में हमारी खुशियां कैद है हमारे सपने कैद है हमारा हक कैद में पड़ा है विजय भैया इस दौलत में से कुछ दौलत उड़ाने का एक जबरदस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है कोई गड़बड़ वाली बात नहीं जब घी डब्बे से ना निकले तो उसको निकालने के दो ही तरीके होते हैं या तो घी के नीचे आग लगा दो या फिर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर लो तो कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए उंगली टेढ़ी हेलो इनकम टैक्स ऑफिस स्पीकिंग सर अगर हम आपको किसी छुपे हुए काले धन के बारे में बताएं तो हमें क्या मिलेगा गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से जो काला धन पकड़ा जाएगा उसका 10% मिलेगा 10% हाँ 10% लेकिन वो काला धन है कहाँ सर वो काला धन हमारे अपने ही घर में छुपा हुआ है आप ही के घर में क्यों मजाक करते हैं साहब जी मैं मजाक नहीं कर रहा मेरा नाम अजय है और मेरे पिताजी का नाम धनीराम कौन शेर धनीराम जी हाँ उन्होंने करोड़ों का काला धन अपने पूजा के कमरे में छुपा रखा अच्छा आप फौरन रेट डलवाइए और सरकार के कानून के मुताबिक आप हमें हमारा 10% दिलवा दीजिए आप फिक्र मत कीजिए आपका 10% मिल जाएगा D.O. गोगी इनकम टैक्स ऑफिसर जी हाँ हमारे डिपार्टमेंट को यह खबर मिली है कि आपने अपने घर के पूजा वाले कमरे में काफी काला धन छुपा रखा है और मुझे आपके घर पर इसी वक्त छापा मारने का ऑर्डर मिला है छापा जी हाँ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काला धन बच जाए और आप गिरफ्तारी से भी बच जाए इसका तोड़ मैं आपको बता सकता हूँ तो जरूर बताइए पाई पाई इकट्ठा करके मैंने दौलत जमा की है और अगर ये दौलत सरकार ले जाएगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा बताइए कोई तोड़ बताइए आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं 5 लाख सिर्फ 5 लाख क्या है कि मैं छापे का चक्कर ही टाल देता हूँ मतलब मैं अगर आपको 5 लाख दूं तो आप मेरे घर पे छापा नहीं डालेंगे बिल्कुल नहीं तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल तैयार हूँ बस मुझे छापे से बचा लीजिए मैं अभी इसी वक्त आपको 5 लाख देता हूँ नहीं नहीं अभी नहीं अभी बजे हैं 11 ठीक 12 बजे आपसे बैंड्रा बैंड स्टैंड पर मुलाकात होगी बैंड स्टैंड अच्छी बात ओके मेरा कार्ड मिस्टर गोगी गिन लीजिए आपके 5 लाख गिन लीजिए जरूरत नहीं है मुझे आप पर भरोसा है धन्यवाद मिस्टर गोगी यू आर अंडर अरेस्ट रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है नहीं नहीं मैंने कोई रिश्वत नहीं ली जो नोट इस बैग में है उस पर हमारे निशान लगे हुए हैं हवलदार बैग खोलो ये रहे हमारे निशान लगे हुए नोट हवलदार अटकड़ी लगा दो माफ कीजिएगा मेरे पूजा के कमरे पे छापा मारने के बजाय आपको जेल के कमरे में जाना पड़ रहा है कोई बात नहीं आप जेल से हो आइए पूजा का कमरा तब तक आपका इंतजार करेगा चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना जल्दी जल्दी कीजिए ना कर रहा हूँ ना भाई 2 हाथ है मेरे कोई 10-12 हाथ तो नहीं भगवान ने तुझे 10-12 हाथ क्यों नहीं दिए जल्दी जल्दी ये लो अपने 50 रुपए पेशाब पैसे जी अरे यार जल्दी करो ना वरना टाके फूट जाएगी बहुत जोर जोर की मौजें आ रही है यहाँ पर कोई बाथरूम है वहां है थैंक यू वेरी मच ओ थैंक यू सो मच अरे भाई साहब जल्दी निकलो अरे भाई साहब जल्दी निकलो वरना निकल जाएगी अरे ठहरो भाई अभी खाली 20 मिनट तो हुआ है
खाली 20 मिनट? अरे 20 मिनट क्या खाली होता है क्या? साला लगता है पूरे खानदान के हिस्से की खाली करने के लिए क्या है। अरे भाई साहब, अभी बेटा कुछ कर, कुछ कर, वरना बेइज्जती के पानी से पतलून की इज्जत भीग जाएगी। हे भगवान, क्या करूं, क्या करूं, क्या? हाँ, लेडीज में घुस जाऊं, घुस जाता हूं। तुम, you bloody idiot, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लेडीज टॉयलेट में घुस आए? मैं आया नहीं, लाया गया हूँ। लगता है तुम होश में नहीं हो। जी हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। लोग शराब की वजह से होश खो बैठते हैं और मैं पेशाब की वजह से होश खो बैठा हूँ। क्या कहा? मुझे अंदर जाने दीजिए, बड़ा ही इमरजेंसी केस है। I said get out. इससे बड़ा सुख नहीं। अरे तुम अभी तक यहाँ हो? मेरा इंतजार कर रही हो? जी नहीं, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही हूँ। अरे बाप रे, ये कैसे बंद हो गया? तुम्हारे साथ अंदर बकवास करने में। ये स्टोर भी साउंड प्रूफ है, लाख चिल्लाओ यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाएगी। लगता है हम दोनों को रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें रात गुजारनी पड़ेगी, और वो भी जेल में, समझे? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे देखिए मैडम मोहतरमा, मेरी बात सुनिए। मैडम देखिए, देखिए मैडम मोहतरमा, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात। फोन डेड है? फोन इज डेड? थैंक गॉड। अरे मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। उस रोज मैंने तुम्हें बांधकर लटका दिया था, आज तुम उसका बदला लेना चाहते हो। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी चाल है। चाल का ये जाल तो मुकद्दर ने बिछाया है। शायद वो हमें हर हाल में एक दूसरे के करीब रखना चाहता है, जैसे तुम आज मेरे जाल में। खबरदार कोई हरकत की तो। आहिस्ता आहिस्ता भाई, आहिस्ता। तुमने तो मयान से तलवार ऐसे निकाली जैसे कोई बच्चा बोतल से अचार निकालता हो। अचार, अचार से मुझे याद है कि मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ऊपर वाले की कृपा है कि हम दोनों फंसे भी तो डिपार्टमेंटल स्टोर में। अब चलकर पेट पूजा करें, चलो ना। मुझे नहीं करनी है। लगता है डाइटिंग कर रही हो। खैर अच्छी बात है। अब देखो ना, हमारे बगल में एक ऐसी औरत रहती है, खा खा कर अपने आप को इतना पहलवान कर लिया है कि पति को ऐसे पटकती है जैसे कोई खटमल झटकने के लिए तकिया पटकता। आजकल की लड़कियां अपने पतियों को बहुत तंग करती। पति से मुझे याद आया कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी, शादी बकवास है। देखो हर इंसान को जिंदगी में एक बार तो ये बकवास करनी पड़ती। अब देखो ना, अगर तुम्हारे डैडी ये बकवास नहीं करते तो तुम कैसे पैदा होती? वैसे आपकी भी बकवास से करीब पहुंच चुकी है। क्या कहा? अब मेरा मतलब है कि आपकी भी उम्र शादी के करीब तो पहुंच चुकी है ना। नहीं, अब नहीं। अगर तुमने जरा भी बकवास की तो मेरे हाथों तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। मुझे क्या करना है? मत करो शादी। मुझे कौन सा तुम्हारी शादी में बैंड बजाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना है? आओ खाते। मुझे उस दिन लटका के गई थी क्या? लेकिन आज, आज मैं तुझे लटका दूंगा रानी। मन खबरदार, खबरदार जो मेरे करीब आए तो। चुप! अब अगर तूने बकवास की तो तेरे जिस्म से एक एक बोटी नोच कर फेंक दूंगा, कमन तोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तू दुनिया में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अरे क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? अरे ये क्या हुआ,
अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, ये तलवार तो फेंको। ठहरो मैं दवाई लेके आता हूं। बस 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 सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। डोंट क्राई नो मू, लाओ। अरे अरे घबरा मत, पिछले जन्म में मैं कंपाउंडर था। नमो, उसे पकड़ो। देखो तुमने कुछ खाया भी नहीं और तुम्हारा इतना सारा खून भी बह गया है। ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूं। ये लो। कितनी अच्छी जोड़ी है ना। क्या? अब मेरा मतलब है कि सुपरमैन और स्पाइडर वुमन की। तुम सो जाओ, मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊं। सुनो, यही बैठे रहो ना। मगर मैं यहाँ कैसे? मुझे अकेले में डर लगता है। अरे कमाल है, कभी मेरे करीब होने से डर लगता है, कभी मेरे दूर होने से डर लगता है। कुछ खुल के कहो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अरे कमाल है, ये तो शेर हो गया है ना। अच्छा तुम शायर भी हो? जी हूँ तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हालात अगर अच्छे हों और दिल जैसे चाहे वो आपके सामने हो तो जुबान की जमीन पर शेर खुद ब खुद उगाते हैं। अरे भाई ये तो वन में ट्रैफिक हो गया, तुम भी तो कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? कुछ भी, आवारा लफंगा। नहीं, अब तुम वो नहीं रहे। फिर वो हो गए।
अंबर से गया है उतारा तुझे मेरे लिए, अंबर से गया है उतारा चिंता मत कीजिए, हम शहर का बड़े से बड़ा वकील करके आपको हर हालत में छुड़ा लेंगे भैया। हाँ भैया, और रहा सवाल धनीराम का, तो उससे बदला लेने के लिए हमने एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सुनो, वो बुढ़ा बहुत चालाक आदमी है, सोच समझ कर काम करना। आप फिक्र मत कीजिए भैया, उसने हमारे भाई को जेल भिजवाया है, हम उसके लिए दुनिया जेल से भी बदतर बना देंगे। Yes. यार रमेश, आज तूने इतने अच्छे दोस्त से मिला के दिल खुश कर दिया, आज की ये रंगीन शाम जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो फिर आज की ये शाम विजय के नाम। विजय के नाम मतलब? मतलब ये कि कभी ये शाम तुम्हारी तरफ से मनाई जाती है, कभी मेरी तरफ से, मगर आज की ये शाम नई दोस्ती की खुशी में हम विजय की तरफ से मनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर करोड़पति बाप के करोड़पति बेड़े के नाम आज का जाम। वेटर, बिल प्लीज। सब बिल। सिर्फ 250 रुपए। यार माफ करना, मेरे पास पैसा नहीं है। आज भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारा करोड़पति बाप तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देता कि अपने दोस्तों को दो चार पहेली पिला सको। अरे यार दोस्तों को छोड़ो, इन 7 रुपये में तो ये अकेला भी नहीं पी सकता। पियो यार, हमारे अकाउंट में पियो यार। लो यार, ये लो, पियो। सुनो, ये भी लेते जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे बाप से अपना हक मांगने की हिम्मत देगी। करोड़पति बाप और बेटा। फकीर, सेठ धनीराम जी, नमस्ते।
अजी किसके इंतजार में बैठे हैं आप? मेरे इंतजार में? एक दौलतमंद सिद्धि बाप एक कंगाल बेटे के इंतजार में बैठा है? एक रईस खानदान की फकीर औलाद के लिए बैठा है? तुम अपनी तिजोरी नोटों के साथ भर रहे हो और तुम्हारी औलाद का दिल दुनिया के तानों से भर गया है। हाँ धनीराम जी, हाँ, तानों के तीर मार मार के कैसे लोगों ने तुम्हारे बेटे के कलेजों को छल्ली कर दिया। अगर हिम्मत है, हिम्मत है तो अपने बेटे के कलेजे में झांक के देखो। जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं कुछ लिफाफे खरीदने आया थे। आप लिफाफे खरीदने? लेकिन ये इतने सारे मनी ऑर्डर? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। तुझे क्या करना है? सेठ जी, आपकी दुनिया में मैं ही वो अकेला इंसान हूँ जो आपके सारे राज जानता है। वो राज जो आपके घर वाले तक नहीं जानते मुझे मालूम है। लेकिन ये मनी ऑर्डर आप किसको भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, ये आपने मुझे आज तक नहीं बताया। इस दुनिया में हर एक इंसान का एक आदराज ऐसा होता है जिसे सिर्फ वो जानता है और कोई नहीं जानता। मैं इस मनी ऑर्डर के राज को हमेशा के लिए छुपा के रखना चाहता था, मगर तू बहुत बदमाश है, तूने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। सेठ जी, जब पकड़ लिया तो फिर छुपाना कैसा, वो भी मुझ जैसे एक वफादार नौकर से। अच्छी बात, बताता हूं, मगर एक शर्त पर कि राज इस दिल की तिजोरी में हमेशा बंद रहेगा, इस वादे की सील लगी रहेगी, वो सील कभी टूटेगी नहीं। सुलेमान एक मुसलमान है, मुसलमान की सांस की डोर टूट जाएगी लेकिन वादे की सील नहीं टूटेगी। इस दुनिया में लाखों ऐसे बूढ़े हैं जो या तो अकेले हैं या बेमुरव्वत बेगैरत औलादों के बाप हैं, जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं मगर उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। अनगिनत अपाहिज हैं जिनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर गरीबी और मुफलिसी के मजबूत हाथ उनके हाथों से वो किताबें छीन लेती है, वो पढ़ नहीं सकती है। ऐसी लाखों औरतें हैं जो बेवा हैं, जो काम करके अपना पेट पालना चाहती हैं मगर उन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन उन्हें अपना शरीर बेचकर इस पेट की अंगेठी में रोटी का कोयला डालना पड़ता है। उन सबकी मैं अकेले मदद तो नहीं कर सकता, ना मेरी हैसियत है, जितनों के बारे में जानता हूं और जितना मुझसे बन पड़ता है ऐसे मदद कर दिया करता हूं। कसम उस रहमान की सेठ जी, पहले मैं आपकी इज्जत किया करता था लेकिन आज आपने सुलेमान को खरीद लिया। लेकिन सेठ जी, खुद अपने हाथों से पैसे देने की बजाय आप उन्हें मनी ऑर्डर से पैसे क्यों भेजते हैं? इसके भी कई वजह हैं। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे, बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। लाइए सेठ जी, आज से ये नेक काम मुझे करने दीजिए। लाइए। अजय के साथ ये लड़की कौन है? ये मेरी छोटी और इकलौती बहन डॉली है जिसे आपका बेटा अजय बहुत प्यार करता है। जी हाँ सेठ जी, दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत चाहते हैं मगर सेठ जी, दुनिया वाले इनके पवित्र प्यार को गंदी निगाह से देखते हैं। सेठ जी, मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथों में, उसे बचा लीजिए सेठ जी प्लीज। अजय, ये क्या है? सर झुकाए क्या खड़े हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या है? जी, मैं डॉली से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ, बस आपकी इजाजत मिल जाए तो बस। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन सवाल ये उठता है अजय साहब कि इस वक्त आप हैं क्या?
आप हैं क्या जो इश्क और शादी के चक्कर में गिरफ्तार हो गए और फिर शादी के बाद अपनी पत्नी को खिलाएंगे क्या इश्क की रोटी? आज के नौजवानों को समझाए कौन, ये काम नहीं करते, इश्क करते हैं। बेटे पहले कुछ बनो, उसके बाद पति बनो। सुनिए, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद है, अब आप भी इसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। हाँ स्वीकार तो कर लूँ, मगर मुझे इस लड़की की तकदीर पे बड़ा अफसोस हो रहा है। इसने क्या देखकर इस अजय को पसंद किया है? बेटी तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? बेटी ठीक है तो तुम्हारी आंखों को करोड़ों की भीड़ में यही निकम्मा निकट्टू नजर आया? अजय साहब, इस लड़की का जीवन तो आपने बर्बाद कर ही दिया है, हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? जाइए लोगों में दावतें बांटिए, क्या आपके नाम की शहनाइयां बजने वाली हैं? जाइए। पिताजी। जीते रहो। थैंक यू अंकल, आपने हमारी इज्जत रख ली। सुनिए, आपके लंदन के भाई साहब मनीराम जी को भी लिख दीजिए कि वो शादी में जरूर आए। जाइए, मेरे भाई अपने अंकल मनीराम को चिट्ठी लिखिए कि आपकी शादी हो रही है, बुलाओ उनको। जी। जाओ। The same old lovely India, वही पुराना खूबसूरत हिंदुस्तान, and oh the same old brother. कैसे हो भाई? Very fine, my brother. Excuse me, ये आप नीचे से क्या उठाने की कोशिश कर रही है? Elizabeth, darling. ये नीचे से कुछ उठाने का कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हारे पैर वगैरह छूने का कोशिश कर रहा है। She is touching your feet. Well, धनीराम, मैं सिर्फ शादी वगैरह के लिए आया हूँ। Because you know I'm a very busy person. इधर शादी हुआ, next morning back to London. Understand? अरे हाँ भाई, शादी तो पहले हो जाने दे, आया नहीं जाने की बात पहले ही कर रहा है। Now I'm telling you. Hello, uncle. Welcome to India. Hello, uncle. Seeing you after many years. The same old nephews, वही पुराने भतीजे वगैरह। Oh no, darling. They are not old. They are young nephews. They want भतीजे। Same old interfering wife. वही बीवी की पुरानी आदत हर बात में टांग वगैरह अड़ाने की। जोक मारा हंसो भाई। पागल है। ये हिंदुस्तानी मिट्टी का अंग्रेजी पुतला है। Well, where is your small young brother? तुम्हारा वो छोटा भाई, what is his name? Yes, Ravi वगैरह। हम यहाँ चाचा जी। Ah, Ravi, my son. Well, my old भतीजास, she is my young wife. तुम्हारी old चाची वगैरह। नमस्ते आंटी। Hello. Hello, आंटी। Money, darling. Are they not Indians? ये Indians नहीं हैं? Well, they are pure Indians, 100%. क्यों? इन्होंने इसका तरह मेरा पैर नहीं छुए, इनका दिल में इज्जत नहीं है। Well, I have to ask them, तुम्हारा दिल में प्यार मोहब्बत इज्जत वगैरह नहीं है? Hi, uncle. Then bend, झुकाओ। Okay, God bless you. Now go wash your hands. Hey, no washing of hands. Let's start the तैयारी of the shadis. अरे भाभी जी, आप आइए आइए आइए, बैठिए। ये कौन है? ये मेरा छोटा बेटा रवि। नमस्ते करो। नमस्ते। रवि। हाय। और मेरे घर वो भैया, ये रवि है। रवि, ये मेरे भाई है प्रेम कुमार। हरी प्रणाम पाजी। राधा, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। अच्छा, अब मैं समझी ये मुझे यहाँ आने से क्यों रोक रहा था। अच्छा, ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? भैया, ये और मैं और हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात ये है, मेरे मझले बेटे अजय की शादी अगले रविवार को है। अच्छा, अच्छा। आप जरूर आना और इसे भी साथ ले आना। हाँ, जरूर आएंगे। रवि। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। इस वक्त यहाँ, आज तो तुम्हारी सुहाग रात है, इस रात को दुल्हन को अपने कमरे में होना चाहिए। मुझे मालूम है दीदी, मैं तो आपको तोहफे देने आई थी। तोहफे? हाँ, मेरे भाइयों ने आपके लिए भेजे हैं, लीजिए ना। इतने कीमती हीरे के कंगन और ये हीरो का हार। हाँ दीदी, लाइए मैं अपने हाथों से पहना दूँ।
जीती रह डॉली, एक मुद्दत से मैं हीरो के हार के लिए तड़प रही थी। मेरे गले में दर्द हो रहा था, आज इसे गले में डालते ही तेरी कसम मेरे गले का दर्द दूर हो गया। दीदी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मैं आपके गले का दर्द तो क्या, दिल का दर्द भी दूर कर दूंगी। हाँ दीदी, मैं आपकी जिंदगी के हर दुख को जानती हूँ, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना आपकी जिंदगी के हर दुख को सुख में बदलने के लिए। आप बस मेरा साथ दीजिए और फिर देखिए मैं क्या गुल खिलाती हूँ। मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगी मेरी प्यारी डॉली। बस बेटी बस, अब बस पे करो, कब तक मेरे पैर दबाती रहोगी, रात काफी हो चुकी है, जाओ सो जाओ। नहीं माँ जी, हम चाहती हैं कि दिन रात आप ही की सेवा करती रहें। हाँ माँ जी, काश मैं पहले से ही आपकी सेवा करती रहती। डॉली ने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे समझाया सासू माँ तो सगी माँ के समान होती है और माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। जीती रहो मेरी बच्चियों, इस जमाने में अच्छी बहुएं कहाँ मिलती हैं। बस अब मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो, इस घर के आंगन में छोटे छोटे पोते पोतियों के फूल खिला दो। बुढ़ापे में अपनी औलाद की औलाद को देखकर दादा दादी को नई जिंदगी मिल जाती है। नहीं माँ जी, हमें अफसोस है, हम आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकेंगे। क्यों बेटी, ऐसी क्या बात है? माँ जी, मैंने और सपना दीदी ने यह फैसला किया है कि हम कभी माँ नहीं बनेंगी। अरे ये तुम दोनों कैसे बैठी बैठी बातें कर रही हो? लोग मंदिरों मस्जिदों दरगाहों पर जाकर औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मानते हैं, और तुम कह रही हो हम माँ नहीं बनेंगे। माँ जी आप ही बताइए, जो बच्चा इस घर में पैदा होगा उसे क्या सुख मिलेगा? हमारे पति इतने बड़े घराने के होकर भी गुलामों की तरह जी रहे हैं, न अपनी कोई इच्छा पूरी कर पाते हैं और न ही हमारी। माँ जी आपकी बेटी समझदार है, अपने तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके। अब उसके लिए पैसे तो चाहिए ना, लेकिन बाबूजी उन्हें पैसे देंगे नहीं क्योंकि उन्हें तो अपनी औलाद पर भरोसा ही नहीं है। माँ जी अब ऐसे हालात में बच्चों की इच्छा करना, हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, आप तो जानते हैं मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, एक वफादार साये की तरह हमेशा आपके पीछे चलती रही। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज अचानक ये वफादारी का सबूत पेश करने की जरूरत पड़ गई। अपनी औलाद के भविष्य के लिए आज मैं आपसे विनती करने आई हूँ, अजय और विजय को अलग कारोबार शुरू करने के लिए वो जितना चाहे उतना रुपए उन्हें दे दीजिए। अपने बच्चों के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ। बड़े बदनसीब होते हैं वो जवान बच्चे जिनकी माओ को उनके लिए भीख मांगनी पड़ती है। और जहां तक पैसों का संबंध है लक्ष्मी, इस दुनिया में कारोबार सिर्फ पैसों से नहीं होता है, अकल से होता है, मेहनत से होता है, ठोकर खा के संभलने की सलाहियत से होता है, जो तुम्हारे इन बेटों में बिल्कुल नहीं है। अकल के लिए तालीम की जरूरत होती है, और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ये दोनों कॉलेज तो गए मगर मेरी बदनसीबी ये शिक्षा हासिल न कर सके। ये वो जाहिल है जिनका तालीम भी कुछ न बिगाड़ सकी, इनको अगर शिक्षा के दरिया में डुबो भी दोगे तो ये वहां से भी सूखे निकल आएंगे। लक्ष्मी इनसे कारोबार नहीं होने वाला। मैं आपकी एक एक बात मानती हूँ, लेकिन एक बार सिर्फ एक बार इन्हें अपना कारोबार शुरू करने का मौका दे दीजिए। लक्ष्मी ने एक नहीं एक लाख मौके भी दोगे ना तो ये कोरे के कोरे रहेंगे, क्या कारोबार करेंगे लोग? बाबूजी मैं बताता हूँ हम क्या कारोबार करेंगे। एक बहुत ही सीधा साधा धंधा सोचा है, आप तो जानते ही हैं कि फ्लैट के भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए नए बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदेंगे और उन्हीं फ्लैट्स को कुछ ही दिनों बाद 100% मुनाफा लेकर बेच दिया करेंगे।
बाबूजी, आपके इस बिजनेस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 10% ही है, लेकिन हमारे इस बिजनेस में 100% से भी ज्यादा है। राइट। मेरे पिताजी ने कहा था कि जिस धंधे में फायदा बेहद होता है वो धंधा अक्सर शराफत की हद से बाहर होता है। खैर मैं चलूं, मेरी पूजा की देर हो रही है। माफ कीजिएगा बाबूजी, पूजा तो आप रोज ही करते हैं, लेकिन आज अगर आप अपने बेटों की मांगे स्वीकार कर लेंगे तो ये बात आपकी पूजा से भी बढ़कर होगी। बड़ी बहू, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। आप अपने मतलब अपनी खुदगर्जी के सिवा कुछ नहीं जानते बाबूजी। आपने इस घर के हर एक इंसान की तमन्नाओं को अरमानों को कुचल कर रख दिया है। शाबाश बड़ी बहू, शाबाश। भगवान तुम्हारी जबान की तरह तुम्हारी उम्र भी लंबी करे। मैं तो समझा था कि तुम अपने घर से तहजीब और बड़ों के अदब का घूंघट ओढ़कर आई हो, मगर आज पता चला कि उस घूंघट की आड़ में छुरी से ज्यादा तेज काटने वाली एक जबान भी रखती हो। वक्त बदल चुका है ससुर जी, वो जमाना गया जब बहू घूंघट ओढ़कर ससुराल आती थी और घूंघट में ही दम तोड़कर शमशान चली जाती थी। आज बहू घूंघट उस वक्त तक उड़ सकती है जब तक उसे उसका हक मिलता रहे। जिस दिन उस पर जुल्म हुआ वो अपना घूंघट उतार देती है। छोटी भाभी, बात करने की तमीज है कि नहीं? बड़ों से इस तरह से बात की जाती? तुम चुप रहो रवि, यह हमारी जिंदगी का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। बाबूजी, हम लोग आपसे पहली और आखिरी बार कह रहे हैं, आपकी दौलत पर हमारा भी हक बनता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप पूजा के बहाने उस कमरे में क्यों जाते हैं। आपने वहां पे अपना काला धन जमा कर रखा है, आप उसकी पूजा करते हैं, नोटों की पूजा करते हैं, और आपकी जेब में पैसा नहीं है और वो कमरा नोटों से भरा पड़ा है। बाबूजी, एक जहरीले नाक की तरह आप अपने काले धन पर बैठे हुए हैं, आपको अपनी दौलत अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारी है। बाबूजी, आज हमें हमारा हक चाहिए। हक चाहिए, ठीक है, आओ मेरे साथ, आओ सब आओ, आओ देखो ये है मेरी दौलत। यह है मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, और ये है वो फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठाकर लेकर जाता था। ये उसका एक जोड़ा कपड़ा जिसे वो बरसों धो धोकर पहनता था। आज तक इसमें से उसकी मेहनत की खुशबू आती है। ये है मेरा काला धन जिसकी मैं पूजा करता हूं, ये मेरी दौलत है। अगर बांटना है ये बांट लो, आगे बढ़ो, बढ़ो ना आगे। है हिम्मत? तुम्हें हिम्मत कहां से आएगी? तुम्हें तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। आज तो तुम लोग मेरे नाम से जाने चाहते थे और मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों के नाम से पहचाना जाऊं। तुम लोगों की आंख का पानी मर गया और मेरे दिल के अरमान मर गए। जाओ यहां से, जाओ, मैं तुम लोगों की सूरत देखना नहीं चाहता। चलो जाओ यहां से, मैं तुम लोगों की सूरत देखना नहीं चाहता। चलो जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से। बस आपकी शिकायत, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जमाना बदल गया है, मोहब्बत और आंसुओं की कीमत बदल गई है। हमारा जमाना और था, माँ बाप ने जो कह दिया औलाद ने मान लिया, आज वो जज्बात दुनिया में नहीं रहे। देखिए, ये लोग अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, कर लेने दीजिए। कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो कदम खुद ब खुद सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। इन्हें कुछ पैसे दे दीजिए,
कम से कम मरने से पहले मुझे अपने पोते पोतियों का मुंह तो देखने को मिल जाएगा। दोनों बहुओं ने कसम खाई है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो इस घर में बच्चों को जन्म नहीं देंगी। अपने पोते पोतियों के लिए मैं दामन फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ। गुड मॉर्निंग रवि बेटे। बाबूजी आप ये चाय लेकर? ऐसे ही चला है। बाबूजी मैंने कॉलेज की किताबों को इतना गौर से नहीं पढ़ा जितना आपको। आप इस वक्त ऐसे नहीं आए, कुछ खास बात कहने आए। रवि बेटे मैंने फैसला किया है कि मैं अजय और विजय को 10-10 लाख रुपए दूं ताकि वो अपनी अपनी मर्जी का कोई कारोबार शुरू करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तुम भी मेरे बेटे हो, उन दोनों की तरह बराबर के हिस्सेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें भी 10 लाख देता हूं ताकि तुम भी अपनी मर्जी का कोई कारोबार शुरू कर सको। जिस बाप की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, जिस बाप का हाथ पकड़कर मैं जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, उस बाप का हाथ छोड़कर मैं पैसे का हाथ पकड़ लूं? बाबूजी आपकी एक एक शिक्षा 10-10 लाख के बराबर है। इस 10 लाख को पाने के लिए मैं अपने 10 करोड़ का नुकसान नहीं कर सकता। नहीं बाबूजी, मेरी दौलत आप है, आप मुझसे मेरी दौलत मत छीनिए। आप मुझे पैसा नहीं आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे चलकर मैं आपका सहारा बन सकूं, अपनी मां का सहारा बन सकूं। शाबाश बेटे, शाबाश। आज तेरे इन शब्दों ने तेल बनकर तेरे बाप के बुझते हुए दिल के दिए को दोबारा रोशन कर दिया। मैं उसूलों की जमीन पे मेरे कदम थोड़ी देर के लिए डगमगाने लग गए थे, पर बेटे तूने आज सहारा दिया अपने बाप को। अब अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे उसूल नहीं बनेंगे, वो मेरे बेटे में जिंदा रहेंगे, और ये खुशी बहुत होती है एक बाप के लिए। बेटा आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि रवि मेरा बेटा है। औलादे तो मेरी कई है मगर बेटा मेरा एक है, तू है बेटे, तू है, तू है बेटे। क्या हुआ डॉली? डॉली बताओ ना। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? भाभी देखो ना। अरे बुद्धू तुम इतना भी नहीं समझते, औरत उल्टियां कब करती है? कब करती है? तुम बाप बनने वाले हो। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने इस सुनी बगिया में फूल की उम्मीद पैदा कर दी। आज कितना मुबारक दिन है, इधर डॉली की गोद भरने वाली है और कल बिजनेस की पहली डील से हमारी गोद नोटों से भरने वाली है। अरे आओ भाई आओ, मैं तो थम लोगों का इंतजार कर रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। क्यों सरीश भाई कागजात तैयार है? अरे भाई बिल्कुल तैयार है, मैं तो नू कहूँ हम इस बिल्डिंग में फ्लैट नहीं ले रहे, सोने की कान ले रहे हो, सोने की कान। हम इन कागजात पे साइन कर दो, मैं ये सोने की कान थारे हाथ में कर दूंगा। भैया माल तो लाए हो? हाँ ऑल कैश। लो भैया यहाँ साइन कर दो। यहाँ साइन कर दो। भैया आप? अजय ये मेरे भैया हैं। हेलो नमस्ते। ओके बाज बदमाश, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? 10 बार इसे धोखा देने के इल्जाम में पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा चुका हूँ मैं। इनको धोखा देकर कौन सा फ्लैट बेच रहा है तू? इस बिल्डिंग के जिसे सरकार ने पास करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा? हाँ मुकदमा। ये बिल्डिंग जो सामने खड़ी है ये गैर कानूनी तौर से बनाई गई है और सरकार ने इसको तोड़वाने का ऑर्डर भी पास कर दिया है। ये शख्स नकली कागजात बनवा कर तुम जैसे शरीफ आदमियों को धोखा देकर पैसा बटोर कर 9 to 11 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। चल पुलिस स्टेशन। माया बनने माफ कर दो, मारे से गलती होगी,
मन्ना नहीं मालूम साजा सारे आदमी है, आज मन्ना माफ कर दो। आज तुझे माफ करता हूँ हरामजादे, लेकिन कल अगर यहाँ पर नजर आया तो तुझे यहाँ से गायब करवा दूंगा। चल भाग यहाँ से, भाग साले। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आज आपने हम सबको बर्बाद होने से बचा लिया। भाई साहब अगर आप ना होते तो हमारा पैसा डूब गया था। अरे भाई कोई भी बिजनेस करने से पहले उसका तजुर्बा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी अपना सब कुछ खो बैठता है। भैया गैर लोग आपके तजुर्बे से फायदा उठाकर करोड़पति बन गए हैं, क्या आप अपनों के लिए कुछ नहीं करेंगे? हाँ भाई साहब हमारे पास पैसा है लेकिन तजुर्बा नहीं है, आप जैसा तजुर्बेकार आदमी हमारे साथ हो जाए तो हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। प्लीज भाई साहब इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अरे भाई मदद तो करनी ही पड़ेगी, इतना नजदीकी रिश्ता है तो समझिए आज के बाद मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई साहब, आइए। काम कायदा और हेलो भैया। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहन कैसी है? अच्छा बताओ अजय और विजय के सामने जो हमने नाटक किया वो कैसा रहा? एक्सीलेंट, वो दोनों सबके फैन हो गए। अरे बस समझो कि आधा मैदान तो हम लोगों ने मारे लिया है, तुम लोगों ने मुझे जमानत छुड़वा कर बहुत बड़ा काम किया है। कसम से भैया अगर आपकी जमानत नहीं होती तो मैं जेल तोड़कर आपको उड़ा लाता। बिल्कुल आप जेल में हो तुम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? वाह भैया आपने क्या चाल चली है, पहले सिरिश भाई को उन दोनों के पीछे लगा दिया और जब वो दोनों गधे बिल्डिंग खरीदने को तैयार हो गए तो एन वक्त पे ड्रामेटिक एंट्री मार के खरीदारी रुकवा दी। भैया वो दोनों तो आप ही के नाम की माला जप रहे हैं। गलत, मेरे नाम की नहीं अपनी बर्बादी के नाम की माला जप रहे हैं। अब मैं उन्हीं के हाथों उनके बाप धनी राम की कब्र खुदवाऊंगा। अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। ओके बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या है कि तुम? मैंने अपनी 55 साल जिंदगी में एक से एक गिरा हुआ इंसान देखा मगर तुम्हारे जैसा कभी ना कभी नहीं देखा, जिसने किसी से बदला लेने के लिए अपनी बहन तक को दांव पे लगा दिया। तो तुम सबको जान गए हो, तो ये भी जान जाओ कि मुझे जेल भिजवा कर तुमने जहरीले डंक वाली मक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारा है। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे नालायक औलादों को बर्बादी के रास्ते में इतना दूर ले जाऊंगा कि उनका लौट कर आना नामुमकिन हो जाएगा। श्री राम की जीती जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं अपने नासमझ बेटों को तुम्हारे अंदर छुपे हुए शैतान की शक्ल दिखाऊंगा, उनको बताऊंगा कि तुमने हमारे घर की बुनियादों को हिलाने के लिए अपनी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे घर भेजा है। मैं तुम्हें तुम्हारे गंदे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा, कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। ये बुड्ढा अगर घर पहुंच गया तो सत्यानाश हो जाएगा। हम इसे घर पहुंचने देंगे तब ना। क्या है भाई बीच रास्ते में आपने ये टेम्पो खड़ा किया हुआ है? क्या हुआ, क्या हटाता क्यों नहीं है? अरे भाई हटाता है कि नहीं?
बस करो बा, बस करो, चलो चलो आराम करो, चलो चलो बा, चलो। वाह क्या मजेदार बिरयानी है, होगी कैसे नहीं, फाइव स्टार होटल की है। अरे जल्दी जल्दी खाओ, देर मत लगाओ, कहीं रवि आ गया तो पोल खुल जाएगी कि कल ससुर जी मरे और आज दोनों बहुएं मजे से बिरयानी खा रही। जल्दी करो जल्दी करो। रवि आ रहा है, छुपा लो जल्दी से। जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी। बाबू जी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बस करो भैया, रोने से मरने वाले की आत्मा को कष्ट होता है। अब तो हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। हाँ रवि, बाबूजी इंसान के रूप में एक देवता थे, इसलिए हमने अपने महान बाबूजी के आदर्शों को जिंदा रखने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया है। देखो कागजात तैयार है, मां ने दस्तखत कर दी है, तुम भी पढ़ लो और दस्तखत कर दो। भैया मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बाबूजी के आदर्शों को अपना रहे हैं। लाइए मैं दस्तखत कर दूं। चाहो तो पढ़ लो रवि। भैया इन कागजात पर बाबूजी के उसूल लिखे हुए हैं और मुझे वो उसूल तुम्हारी याद है, पढ़कर क्या करूंगा। बेटे जहाँ तुम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो वहाँ उनकी आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए एक काम और कर लो। हाँ कहो मामी। कहते हैं तीर्थ स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करवाई जाए तो मरने वाले की आत्मा को जल्दी शांति मिल जाती है। इस काम के लिए मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटे तुम नहीं, शास्त्रों के अनुसार ये काम या तो घर का सबसे बड़ा बेटा कर सकता है या फिर सबसे छोटा। तो मैं चला जाता हूँ। विजय भैया अगर ये काम आप मुझे करने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बेटे ये काम रवि को ही करने दो, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी रवि को बहुत पसंद करते थे। ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। आज की इस बड़ी कामयाबी पर मैं तुम दोनों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू भाई साहब, इसके असली हकदार तो आप हैं, ये फूलमाला है तो आपको पहननी चाहिए। थैंक यू विजय। अपने बाप की इस कुर्सी को पहचानते हो जिस पर बैठकर उसने बरसों अपनी जिद और जबरदस्ती की हुकूमत चलाई? आज इस कुर्सी पर तुम्हारा हक है। नहीं भाई साहब, मैं इस कुर्सी से नफरत करता हूँ। इसी कुर्सी पर बैठकर मेरे बाप ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बेइज्जती की। मैं इस मनुष्य कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगा, इसे मेरी नजरों के सामने से हटा दीजिए। इस कुर्सी को तो तुम्हारे बाबूजी की चिता के साथ ही जला देना चाहिए था। तो आप जला देते हैं इस कुर्सी को। नेक काम में देरी क्यों, जला। शाबाश विजय बाबू, शाबाश। बाबूजी जब जिंदा थे तो उनके सामने जबान नहीं खुलती थी, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी कुर्सी को लात मार रहे। वाह वाह वाह। अबे ओए बकबक की तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? जो बेटे अपने बाप से रिश्ता तोड़ सकते हैं, उसकी पूजा करने लायक कुर्सी को लात मार सकते हैं, वो एक नौकर का मुंह तोड़ दे तो कौन सी बड़ी बात है? हरामखोर, बकवास करता है। क्यों एडियस, आज इस थप्पड़ का एक्शन रीप्ले नहीं सुनाओगे? थोड़े दिन इंतजार करो, ऊपर वाला ऐसा एक्शन रीप्ले करके दिखाएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जुल्म की कश्ती ज्यादा दिन नहीं तैरेगी, इंसाफ का तूफान उसे एक दिन गर्क कर देगा, मेरी बात याद रखना। आराम खोर साला, इस खुशी के मौके पर यह मनुष्य पता नहीं कहां से टपक पड़ा। हाँ भैया अब क्या करूं? कोगी भाई साहब, आज से इस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर आप हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। थैंक यू ब्रदर्स। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करके
इस फैक्ट्री के नाम पर चार चांद लगा दूंगा। चलो चलो चलो। सुनो जी साहब। कितने भरे हुए टेम्पो भर गए हैं? तीन टेम्पो गए मैनेजर साहब। तीन कहाँ? दो गए? नहीं साहब, मैं बराबर गिना, तीन गए हैं। तुमने बराबर नहीं गिना, सिर्फ दो ही बाहर गए हैं। कितने गए हैं? सिर्फ दो गए हैं सर। तुम्हारी वजह से फैक्ट्री बहुत तरक्की करेगी। जाओ अपने काम। शाम साहब। भैया जो तीसरा टेम्पो गया है उसकी पेमेंट मैं ले आया हूँ। वाह, तुम पिछले जन्म में बैंक में काम करते थे क्या? टेम्पो गया की पेमेंट लेकर आ गए? कमाल है भाई, हो तो ऐसा। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। वाह, क्या मामा बन गया? बाप बाप, अरे मामा बन गया, अरे बाप बन गया। अरे वो चुप रहिए, जो ये कह रहा है वो भी सही है, जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। गॉड इज ग्रेट। आप मामा बन गए हैं, ये बाप बन गया है और मैं ताऊ बन गया। ओय ओय ओय, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल इसके जैसे रोता है। आप बच्चे की दादी को बुलाइए, वो अपने शुभ हाथों से उसे शहद चटाएंगी। नहीं नहीं पंडित जी, आप ही कमाल करते हैं, एक विधवा के हाथ से मेरे बच्चे को शहद चटवाएंगे। ठहरिए पंडित जी, इस रस्म को मेरी मामी पूरा करेंगी। आओ मामी। आओ ना। आप दादाजी बन गए, इस खुशी के मौके पर एक ड्रिंक पियो ना। अरे शर्माओ मत, पियो ना। लो अब मुंह खोलो ना। आ आ आ आ, पियो पियो राजा बुढ़े। बेशरम नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माजी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, और तेरे शराबी भाई की इतनी हिम्मत कि मेरे स्वर्गीय पति की तस्वीर पर इसने शराब फेंकी। अजय, तुम्हारी माँ ने मेरे भाई का अपमान किया है और तुम खामोश खड़े हो। आज अगर इसने तेरे भाई की तरफदारी की तो एक थप्पड़ इसके मुंह पर भी लगाऊंगी। क्यों मारोगी, क्यों मारोगी? जिंदगी भर हम बाप के हाथों मार खाते रहे, आज उनके नाम पे तुम मारोगी? कब मारा था उन्होंने? सिर्फ नसीहतों से तुम्हारी गंदी आत्मा को जगाने की कोशिश करते रहे। अगर थप्पड़ और जूतों से मारा होता तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। देखो माँ, बहुत हो गया, लोगों को तमाशा मत दिखाओ, जाओ अपने कमरे में। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले इस बदतमीज को घर से निकाल दो। मेरे पति का अपमान करके ये शैतान यहाँ नहीं रह सकता। थू थू थू, लानत ऐसी औरत पर जो बहू बेटों की जिंदगी में जहर घोलती रहती है। अरे मेरे घर में कोई ऐसी औरत होती तो मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देती। ये माँ है कि डाइन? तुम ठीक कहती हो मामी, आज ये शुभ काम हो ही जाना चाहिए। निकलो यहाँ से। ए बुढ़िया, चलो यहाँ से, ले जाओ इसे, जल्दी बाहर निकालो यहाँ से। शाबाश भैया शाबाश। बाबूजी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि माँ को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हो। मगर यह मत समझना कि इस बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। स्वर्गीय धनी राम और इस माँ का बेटा अभी जिंदा है। जिंदा है तो क्या कर लेगा? मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। तुम्हारे पल्लू के पीछे जो मर छुपे हैं ना, उन्हें आगे भेजो। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है? किस बलबूते पर तुम मेरी माँ को इस घर से बाहर निकाल रहे हो? यह मेरे बाबूजी का घर है, इसमें इसमें मेरी माँ का बराबर का हिस्सा है। हिस्सा? कौन सा हिस्सा, किसका हिस्सा? सुनो, इस घर में ना तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना तुम्हारी माँ का कोई हक। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। मैं भूल गए, उस दिन तुमने धनीराम चैरिटेबल ट्रस्ट के कागजात पर दस्तखत किए थे। तुम दोनों अपना सब कुछ हमारे नाम कर चुके हो। इसका मतलब वो ट्रस्ट के कागजात नहीं थे बल्कि तुम्हारे डिस्ट्रस्ट के कागजात थे।
बिना पढ़े हमने वो कागजात गरीबों के लिए नहीं बल्कि तुम जैसे जलीलों के लिए साइन कर दिए थे। बाबूजी ठीक ही कहते थे कि कभी कभी फरिश्तों के घर शैतान भी पैदा हो जाता है। रवि और शराब, जैसे तुमने अपने माँ बाप को भुला दिया, आज मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। यहाँ से चला जा फरना। अरे नहीं रवि नहीं, चल बेटे अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तू बीच में क्यों बोला हरामजादे? तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, चल बेटे चल। बाबा क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? बेटा कुछ देर के लिए क्या, आप लोग हमेशा यहाँ रुक सकते हैं। ये घर आप ही लोगों का है। हमारा घर? ये क्या करें आप? हाँ बेटे, तुम्हारे पिता सेठ धनीराम जी ही ने ये मकान उन बूढ़े और मजबूर लोगों के लिए बनवाया है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके नालायक औलाद उन्हें उन्हें घर से निकाल देती है। मालकिन मालकिन अंदर चलिए, अंदर चलो बेटा। कहीं बाहर जा रही हो क्या? बाहर नहीं जा रही हूँ, यहाँ रहने आई हूँ। यहाँ रहने आई हूँ क्यों? कल रात माँ जी मेरे सपने में आई थी, कह रही थी कि मेरे साथ आकर रहो, तो मैं आ गई। अब मैं माँ जी के साथ ही रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी, इनका दिल बहलाऊंगी। सपने देखना छोड़ दो राधा और वापस लौट जाओ, मेरे पास अब तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है, लगन है, बाबूजी की आदर्श है, और फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
देखा रवि, मेरी बेटी कितनी समझदार है, अब ये यहीं रहेगी मेरे पास। अरे अरे, ये सर दबा रहे, जमीन कूट रहे हो, चलो हटो। अरे ये तुम्हारे बस का काम नहीं, अब तो मैं आगे हूँ ना। रहने दे बेटी। माँ जी आप चुपचाप लेटी रहिए, गांधी जी ने कहा था कि जब सर में दर्द हो तो बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, गांधी जी ने तुमसे कहा था? हाँ, एक दिन वो भी मेरे सपने में आए थे। कमाल है, अब बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे सपने में आने लगे। और सुनो, अब फिर सपने में मत खो जाना। कालिदास की शकुंतला सुंदर थी या वसंत सेना सुंदर थी? वात्स्यायन कहता है कि वसंत सेना सुंदर थी। खैर, उसका तो दृष्टिकोण ही और था। हैं? ये क्या है, किसी की किताब पढ़ी है? अरे ये किसने अरे और एक किताब पढ़ी है, ये लो और एक किताब यहाँ पढ़ी है, ये और एक किताब है। आह, प्रेम रस की भावना के बहाव में बाढ़ आ रही है। लेकिन अरे ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। नहीं नहीं, अरे बच्चों, अरे बच्चों, हाय, ये क्या कर रहे हो? इम्तिहान सर पे आई है, तुमने पढ़ाई करनी चाहिए। ये उम्र तुम्हारी प्यार करने की नहीं, अपनी अपनी किताबें ले लो और पढ़ाई शुरू करो। वो क्या है सर, कि हम दोनों कालिदास की कल्पना को साक्षात में साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात ठीक है। क्या कहा इसने? देखो बकवास बंद करो, ये उम्र तुम्हारी प्रयास करने की नहीं, पढ़ाई करने की है, अपनी अपनी किताबें ले लो और पढ़ाई शुरू करो। अरे किताबें तो मेरे पास है, ये कैसे ये गए कहां?
प्यार जागता है तब उम्र देखता है दिल का जाना दिल का आ जाना नमस्ते मैनेजर साहब। ये फैक्ट्री तुम्हारे बाप की है। जब जी मैं आया काम पर आ गए, जब जी मैं आया छुट्टी मना ली, तुम एक हफ्ते तक काम पर नहीं आए, काम मर गए थे। मैं अचानक गांव चला गया था, मेरी बीवी मर गई साहब। ज्यादा नाटक नहीं, ये बीमारी और मरने के नाटक मैं बहुत सुन चुका हूँ। इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम पर आएगा उसकी ना तो बीवी मरेगी ना माँ मरेगी, कोई नहीं मरेगा। बीमारी और मौत हमारे हाथ में नहीं है मैनेजर साहब। हाथ क्यों उठाते हैं? चाहे तो हफ्ते भर की पगार काट लीजिए, मगर ऐसे हाथ उठाने का हक आपको नहीं है। शट अप! एक तो हफ्ते भर गायब रहा और ऊपर से सामान चलाता है हरामजादे, वो भी मुझसे। एक बात कान खोलकर सब सुन लो, आज के बाद इस फैक्ट्री के अंदर कोई छुट्टी नहीं मनाएगा और ना ही किसी को बोनस मिलेगा और ना ही किसी की तरक्की होगी। यहाँ पर सिर्फ काम होगा और काम के सिवा कुछ नहीं होगा। Am I clear? बस। आज तक हमारी कंपनी में यूनियन नहीं बनी थी क्योंकि बाबूजी मजदूरों का हक उनके मांगने से पहले ही दे दिया करते थे। मजदूरों को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार करते थे, वो उनके गमों में शामिल होते थे। और ये लोग बुजुर्गों पर कोड़े बरसा रहे हैं। सुलेमान भाई, अब हमें मजदूरों की यूनियन बनानी होगी। हाँ रवि भैया, खुदा का नाम लो, मजदूरों के हक का बोझ अपने कांधों पर उठाओ और कर दो ऐलाने जंग। लगाओ नारा, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद, रवि भैया जिंदाबाद। मेरे गरीब मजदूर भाइयों, किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना या अपने हक के लिए लड़ना, यह हर इंसान का फर्ज होता है। किसी भी फैक्ट्री का मालिक किसी भी मजदूर पर कोई ऐसा नहीं करता। अगर वो मजदूरों को नौकरी देते हैं तो मजदूर भी उनके लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं। इंसानियत के तराजू में दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं।
लेकिन इस कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों की गैरत को ललकारा है। हम लोगों को इन्हें बताना होगा कि मजदूर का खून पसीना बनकर मशीनों के दामन में गिरने के लिए होता है, जख्मों से निकलकर नालियों में बहने के लिए नहीं। इन्हें इस खून का हर्जाना अदा करना होगा। जिन मजदूरों पर जुल्म किया है उनसे माफी मांगनी होगी, वरना आज से काम बंद, हड़ताल शुरू। मजदूर यूनियन, रवि भैया, रवि भैया, मजदूर एकता। निकालो सालों का शोर। अरे क्या कर रहे हो सामान देख रहे हो? अरे क्या लोग कर रहे हो? अरे तू मेरा सामान देख रहे हो? अरे मेरा सामान देखो। अरे अरे क्या लोग कर रहे हो? अरे ठहरो ठहरो, कौन हो तुम लोग? ये सामान हमारा क्यों फेंक रहे हो? क्यों फेंक रहे हो सब कुछ? तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। अब ये मकान हमारा है। ये मकान तुम्हारे कब से हो गया? दरअसल हमें आज ही पता चला कि अपना घर हमारा अपना है, और धनीराम जी के बेटे होने के नाते कानूनी तौर पर हम इसके हकदार। अगर ये घर तुम्हारे पिता का है तो शायद तुम ये भी जानते होगे कि मैं तुम्हारे पिता की कौन हूँ। अरे जन्म चलो, मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो। मगर याद रखो, जिस तरह तुम इन लाचारों को बेघर कर रहे हो, कहीं भगवान तुम लोगों को बेघर न कर दे। हम तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आए हैं माँ। देख क्या रहे हो, सामान उठाओ और बांटो। रुक जाओ। अगर किसी ने सामान को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर फेंक दूंगा। ज्यादा बकवास मत करो, हम कोर्ट से ऑर्डर्स लेकर आए। मैं नहीं मानता इंसानी उसूलों को तोड़ने वाले इस ऑर्डर को। ये बेसहारा लोग यही रहेंगे, और मैं कहता हूँ तुम दोनों से, हिम्मत है तो आओ। तुमने भी इसी माँ का दूध पिया है और मैंने भी, देखते हैं किसकी रगों में माँ की दूध की सच्चाई अभी जिंदा है। देख लो है। बदमाश को जल्दी आइए। ये तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो यह राक्षस इन दोनों का गला दबाकर इनको जान से मार देता। ले चलो इसे, ले चलो। साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। अरे कसूरवार है या बेकसूर या अदालत ही बताएगी। तू चल अंदर बुढ़िया, मुझे जानने वाला था। चलो अभी और इसी वक्त तुम लोग ये जगह खाली करो। जल्दी करो, क्विक जल्दी। मैं ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर इन बेसहारों को यहाँ से मत निकालो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्या कर रही है माँ जी, आप किन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं? फरिश्ते कभी शैतानों के आगे सिर झुकाते हैं क्या? कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं। कुत्ते वफादार होते हैं जनाब, और ये वफादार कुत्ता ऑर्डर का तोड़ ऑर्डर लेकर आया है। क्या जी? अगर आपने बूढ़ों को हाथ लगाया तो आपके हाथों में हथकड़ी नजर आएगी, वो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, इस वक्त हम चले जाते हैं, लेकिन ये मत समझना कि हमसे जीत पाओगे। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। हाँ, इस धरती पर तो मुलाकात जरूर होगी, लेकिन ऊपर मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम यकीनन जहन्नुम में यानी नरक में जाओगे, और मैं जन्नत में बैठा अंगूर खाता मिलूंगा मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय। उसको मिले या मुझे बात को? चला जाए। क्या मुझे बात? क्या भाई, ए ऑर्डर। आपकी कमजोर पत्नी के कांधों में अब दुखों का बोझ उठाने की शक्ति नहीं रही। पहले आप चले गए, फिर बहू बेटों ने मुंह फेर लिया। आपके उसूलों पर चलने वाला एक हमारा बेटा रवि था, उसे भी आज जालिमों ने पुलिस के हाथों कैद करवा दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? ये मौत से बदतर जिंदगी अब मुझसे नहीं संभाली जाती,
मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। लक्ष्मी, मूर्ति की तरफ नहीं, जिंदा इंसान की तरफ देखो। लक्ष्मी, हमें लक्ष्मी का पति सीता का राम, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं लक्ष्मी। लक्ष्मी बस लक्ष्मी बस, मत रो। आप जिंदा हैं, इस दुनिया ने मेरी मांग का सिंदूर क्यों उजाड़ दिया? पागल होते हुए मुझे विधवा क्यों बना दिया? क्यों? मौत ने तो बहुत मारने की कोशिश की लक्ष्मी, मगर जिंदगी और मौत को जन्म देने वाले की किताब में शायद मेरा जिंदा रहना बाकी था, इसलिए बच गया। दुनिया का हिसाब पूरा करने के लिए, गुमराहों को सही रास्ते पे लाने के लिए, गुनहगारों को सजा देने के लिए, और अपनी देवी जैसी पत्नी को दुनिया की ठोकरों से बचाने के लिए। क्या लक्ष्मी, न मत रो, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। पर लक्ष्मी, इस राज को कुछ वक्त तक राज ही रहने देना, किसी भी जाहिर मत होने देना कि मैं जिंदा हूं और तुम सहागन हो। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। Hey. अरे अंकल, आप? Yes, my son. Your London uncle has come. My son. चल बेटा, आप गम वगैरह भूल जाओ और खुशी वगैरह शुरू करते हैं। कम आ जा बेटा। माँ, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, ये समझ ले अब हमारे दुखों का अंत हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। Yes, my son. तुम्हारा लंदन वाला अंकल आ गया है, अब दुख वगैरह तुम दबा के भाग जाएगा। Now be happy. चेहरे पे नकाब ओढ़ने से और आवाज बदलने से इंसान दुनिया की नजरों में छिप सकता है, बेटे की नहीं। याद है मैंने आपसे एक बार कहा था कि मैंने अपनी कॉलेज की किताबों को कम और आपको ज्यादा, अपने गुरु समान बाप को ज्यादा पढ़ा। अरे मैं तो आपके सीने से लगते पहचान गया था कि मैं अपने बाप के सीने से लग गया हूं। आप क्या चले गए बाबूजी, हमारी तो दुनिया ही पलट गई, अपने खून नहीं आके फेर लिए। सब जानता हूं बेटे, सब जानता हूं, लेकिन तू दिल छोटा मत कर बेटा। जिंदगी के तजुर्बे को हमेशा याद रखना कि जो लोग लालच की कश्ती में सफर करते हैं अपनों के लिए गैर हो जाते हैं, एक दिन वो लोग खुद दारों के हाथ से डूब जाया करते हैं। और अब हम लोग ऐसे लालची लोगों को, हमारा घर बर्बाद करने वालों को शराफत की जबान से नहीं, जूतों की जबान से सबक सिखाएंगे बेटा, जूतों की जबान से सबक सिखाएंगे। घबरा मत, माय चिल्ड्रन। अरे अंकल, आप कब आए? सेम ब्लडी ओल्ड क्वेश्चन, वही पुराना सवाल वगैरह, कब आए?
अरे पूछो क्या हल्ला है, ये रहे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या? क्या हुआ अंकल? अरे गड़बड़ वगैरह हो गई, गिफ्ट देने के चक्कर में आई फॉरगॉट दैट माय ब्रदर मरीना मेनो एक्सपायर्ड, वो मर गया, बट पार्ट ऑफ द गेम, जो उगता है वो कटता है, जो उड़ता है वो गिरता है, जो पैदा होता है वो मरता है, डोंट वरी चैन अप। ये कौन है, इसको पहले कभी देखा वगैरह नहीं? अंकल मैं डॉली का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है डी ओ गोगी। डी ओ गोगी मीन्स डॉगी मीन्स कुत्ता। डॉगी नहीं अंकल, डी ओ गोगी, गोगी। बट शॉर्ट फॉर्म में डॉगी बहुत प्यारा लगता है। अगर तुम्हें ये नाम प्यारा है तो हम तुम्हें एक कुत्ते का पट्टा तोहफे में देते हैं। कुत्ते का पट्टा? हाँ, $3,500 का असली डायमंड वाला। बहुत लकी है, इसको पहन के हमने $50 million कमाया था। $50 million? Yes, $50 million। बट वेर इज रवि? और तुम लोगों की जो माँ है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। रवि ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया अंकल, और जब उसकी पोल खुल गई तो वो हम पर बिगड़ गया, हमें गालियां देने लगा। और देखिए ना अंकल, माँ ने भी उसी का साथ दिया और दोनों घर छोड़कर भाग गए। वेरी सिली। मैंने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो रुके नहीं। मैंने तो माँ जी की पहुँच तक पकड़ लिए लेकिन वो मुझे ठोकर मारकर चले गए। वैसे एक बात कहूँ, ये जो तुम्हारा भाई रवि है ये बिल्कुल अपने बाप धनीराम पे गया है। तुम्हारे बाप से मेरी कभी नहीं बनती, दैट्स व्हाई वेंट अब्रॉड, कभी भी नहीं बनती, रवि से भी नहीं बनेगी। आई एम योर साइड, है ना, हम लोग एक जैसे हैं। बट तुम लोगों का बिजनेस वगैरह जो है वो कैसे चल रहा है? वो क्या बताएं अंकल, रवि ने वर्करों को भड़काकर फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दी। बात ये हुई अंकल कि गोगी भाई साहब ने कुछ बदतमीज वर्कर्स को पीट दिया था, अब वो कहते हैं कि हमसे माफी मांगो। डॉगी बेटे, वक्त वगैरह पड़ने पर गधे वगैरह को भी बाप वगैरह बना लेना चाहिए। जी इसलिए मैं कहता हूँ कि मजदूरों से माफी मांग लो, बल्कि उनके पैर वगैरह पढ़ लो, हार वगैरह पहना दो, बल्कि आरती उतार लो, क्योंकि एक बार मजदूर वगैरह पकड़ में आ गए तो रवि की तो ऑटोमेटिक हार हो जाएगी। क्या बोलते हो? फैंटास्टिक। वाह 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 आरती। टीका भूल गए? लगा दे। और जरा पेड़ा भी दीजिए। पेड़ा भी दे दे। पेड़ा 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 आई लाइक आई लाइक। अरे बाकी की छोड़ते हैं। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरे प्यारे प्यारे मजदूर भाइयों, मैं आप सब मजदूरों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जो अत्याचार मैंने माधव काका के साथ किया है, इतना क्यों मार दिया, और इनके साथ किया है, मैं वादा करता हूँ कि वैसा अत्याचार मैं आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। ये वो आदमी आप लोगों से माफी मांग रहा है तो कितना शर्मिंदा है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मजदूर भाइयों, आप सब लोग अंदर चलो और अपना अपना काम संभालो। आओ काका, आओ ना। हाँ हाँ रवि भैया कह रहे हैं, अंदर जाओ काम शुरू करो। रवि भैया, रवि भैया, रवि भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। तू घुमा होगा क्या? इस हरामजादे रवि की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं इसकी वो हालत करूंगा कि ये आइंदा कभी हमारे बीच नहीं आएगा। रवि भैया जिंदाबाद, बोलता जा रवि भैया जिंदाबाद, रवि भैया जिंदाबाद।
अरे चिकने छोरो की महफिल लगी है रे, जल्दी आ जल्दी हमा। हाय हाय, हमसे निपटो री, हमसे निपटो। हाय हाय निपटो नहीं रे, लिपटो 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 रे लिपटो। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ा तो हाय हाय क्या कर लेगा हमारा, तो फोड़ दूंगा। क्या फोड़ेगा? सर पत्थर के मारते हो, पत्थर के मारते हो, जो कुछ भी मैं हूं सौर्य धनीराम जी की बदौलत, इसलिए मैं रवि और लक्ष्मी भाभी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? खिदमत यह है कि मेरे दो भतीजों की आंख में सुअर का बाल आ गया है। किसका बाल आ गया है? सुअर का बाल। मेरे भाई धनीराम के मरते इन दोनों के पर निकल आए, उन परों को काटना है ना। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक प्लान बनाया हमने, हम एक कंपनी लॉन्च करेंगे। मैं क्या नाम बताया था मैंने उसका? महालक्ष्मी एंड कंपनी। महालक्ष्मी एंड कंपनी। तो आप महालक्ष्मी एंड कंपनी के मालिक हैसियत से आगे आगे रहेंगे और मैं और रवि जो है वो पीछे पीछे रहेंगे, ताकि दुनिया को पता ना चले कि इस पूरे जलजले की जड़ में हम दोनों हैं। तो फिर अजय और विजय की कंपनी को जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो लगता है वो आप सप्लाई करते हैं ना? हाँ। तो आज के बाद आप वो माल उनकी कंपनी को सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि वो सारा माल जो है महालक्ष्मी कंपनी जो है वो खरीद लेगी आपसे। मगर अंकल, उससे हमारा क्या फायदा होगा? मैं कुछ समझा नहीं भाई। ऐसा है, मैं बोला हूँ ना, व्हाई डू स्पीक इन बिटवीन, कीप क्वाइट। मैं कोशिश कर रहा था। ऐसा है कि रोटी किस चीज से बनती है? आटे से। राइट। अब जो बेकरी रोटी बनाती है उसको आटा ना मिले तो वो बेकरी चल सकती है? Man, what's the problem?
यहाँ तुम लोग मुंह लटकाए बैठे हो, बाहर मजदूर लोग कार्ड वगैरह खेल रहे हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, गिली डंडा खेल रहे हैं। आज कोई फेस्टिवल वगैरह है बोलो तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन कैसा अंकल, यहाँ तो माता मनाया जा रहा है। हमारी फैक्ट्री में माल बनना बंद हो गया है। क्यों, व्हाई? माल बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए ना, वो नहीं है। कच्चा माल? आ यू मीन रॉ मटेरियल, वो क्यों नहीं है? पहले तो बराबर हुआ करता था। बात दरअसल ये है अंकल कि महालक्ष्मी नाम की एक नई कंपनी है जिसने मार्केट से सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया है जिससे हमारी कंपनी माल बनाती थी, इसलिए नो रॉ मटेरियल, हमारी कंपनी ठप। सेम ब्लडी ओल्ड प्रॉब्लम, वही पुरानी परेशानियां वगैरह। डोंट वरी अबाउट दिस, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ लंदन में पेश आया था। तो फिर आपने क्या किया था अंकल? गॉड हैज गिवन मी दिस गॉगल्स। नॉट गॉगल्स, अकल, ब्रेन। ही मैंने अकल का इस्तेमाल किया, दिमाग की तिजोरी में से वो आइडिया उड़कर बाहर आया और मैंने उसको यूज कर डाला। कैसा आइडिया बताइए ना अंकल। तुम अपने आदमी हो, मैं बिजनेस का सीक्रेट बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लो, पर किसी को बताना नहीं। यहाँ नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। तुम्हारी इस महालक्ष्मी इन कंपनी की तरह लंदन में तोरा तोरा इन कंपनी ने मेरे तमाम रॉ मटेरियल को कैप्चर कर लिया जिससे मेरी फैक्ट्री चलती थी। मेरा तो दिवालिया वगैरह होने लगा, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर हाथ मार मार के पैसा जमा करना शुरू किया, अंतोरा अंतोरा कंपनी के चुपके से शेयर खरीदना शुरू कर दिए। शेयर खरीदता गया, अल्टीमेटली 55% मैंने शेयर उसके खरीद डाले। तो कानून के मुताबिक मैं उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार था, तो ऑफिशियली मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। मतलब तोरा तोरा कंपनी पे आपका कब्जा हो गया? यस, मेरा ही कस्बा हो गया। कस्बा होते ही मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। मैनेजिंग डायरेक्टर बनते ही मैंने सारा जो रॉ मटेरियल है वो अपनी कंपनी के नाम पे सैंक्शन कर लिया। एंड देन व्हाट, मेरी ये कंपनी चलने लगी, साथ में तोरा तोरा कंपनी का प्रॉफिट आने लगा। डबल प्रॉफिट है ना। अरे वाह अंकल, आपके दिमाग का जवाब नहीं, क्या आइडिया सोचा है। तुमको आज पता चला कि मेरे पास दिमाग है? इडियट। सॉरी अंकल। गधा का इनका। हां अंकल, फिर क्या हुआ? तो अपने इस करोड़पति चाचा के करोड़पति दिमाग का करोड़पति फायदा उठाकर करोड़पति बन जाओ। महालक्ष्मी कंपनी के जो शेयर मिल रहे हैं उसको फौरन खरीद लो। बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े? कुछ भी नहीं सर। क्या विजय, महालक्ष्मी कंपनी के अब तक हम कितना शेयर खरीद चुके हैं? भाई कंपनी में जितना कैश था उसे 25% शेयर खरीद चुके हैं हम। 25% क्या होता है, हमें कम से कम 51% शेयर खरीदने हैं ताकि तुम लोग महालक्ष्मी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन सको। मगर भाई साहब इतना पैसा आएगा कहाँ से? फैक्ट्री गिरवी रख दो, बंगला गाड़ी सब गिरवी रख दो, लेकिन इस कंपनी के 51% शेयर खरीद लो। अगर ये मौका निकल गया तो हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। लोग धड़ाधड़ इस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, अमीर गरीब बदमाश शरीफ भिखारी, यहाँ तक कि धंधा करने वाली औरतें भी इस कंपनी के शेयर खरीद रही हैं। तो हम बैठे किस लिए, खरीद लो। मिस्टर पंत जी सर, आप मनी लेंडर्स को बुलवाइए और कागजात तैयार करवाइए। आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? जाइए जल्दी, लाइए लाइए, चल साइन कर। अरे जब तक तुझे पड़ेगा वापस अब शेयर्स बिक जाएंगे, जल्दी कर। चल तू भी साइन कर। ये लीजिए हजूर, शुक्रिया। नमस्ते जी। अरे पैसा ले और फॉरेन शेयर मार्केट जा और सब शेयर खरीद डाल, ऑल ऑफ देम। अब मजा आएगा। हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, तहलका वगैरह हो गया। डॉगी अंकल, आप डॉगी बोलो, पॉगी बोलो, गधा बोलो, टट्टू बोलो, कुछ भी बोलो, अखबार पढ़ो, सुना सबको। वाह वाह वाह, अजय और विजय ने महालक्ष्मी एंड कंपनी के 41% शेयर खरीद लिया। वाह 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 अंकल। अंकल आप इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक देवता है। आपने हमें कितना ऊपर पहुँचा दिया अंकल। अरे अभी तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें और कितना ऊपर पहुँचाता हूँ। हमारे प्लान के मुताबिक हमने महालक्ष्मी एंड कंपनी के शेयर्स के भाव में गर्मी पैदा करके अजय और विजय को जो 50% शेयर्स खरीदने पर मजबूर किया था उसमें तो हम कामयाब हो गए। रवि,
कल जब इन्हीं शेयरों का भाव नरमी का रुख अख्तियार करेगा तो आज की कामयाबी पर कल उन्हें पछतावा भी होगा। और यही हमारा मकसद है। मुबारक हो अजय और विजय, हम जीत गए। हम लोगों ने मैदान मान लिया। महालक्ष्मी एंड कंपनी के हमने 55% शेयर खरीद लिए। अब तुम दोनों उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे। समझो कि तुम दोनों करोड़पति बन गए। आप करोड़पति नहीं, बर्बाद पति हो गए हैं, दिवालिया पति हो गए हैं, कड़का पति हो गए हैं। क्या क्या बकता है? जिस महालक्ष्मी एंड कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे वो कंपनी फेल हो गई है। बाजार में उसके शेयर की कीमत 5 पैसा भी नहीं रही। आपका सारा पैसा डूब गया। ये तो होता ही रहता है। आप लोग? नमस्ते जी। सेठ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? ये मकान खाली करवाने के लिए आए हैं। मकान खाली करवाने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ये बकवास नहीं है विजय बाबू, हकीकत है। आपने महालक्ष्मी एंड कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अपनी फैक्ट्री, मकान और अपनी तमाम जायदाद हमारे पास गिरवी रखी हुई है। हाँ हाँ, गिरवी रखी है तो क्या हुआ? हुआ ये अजय बाबू कि महालक्ष्मी एंड कंपनी फेल हो गई। अब आप हमारा पैसा देकर अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा लीजिए। लेकिन अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो आप मकान खाली कर दीजिए। हमने आपके कागजात किसी और को बेच दिए हैं। अब वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है। कौन है वो? मैं हूँ वो। मैंने अपने बाबूजी की वो सारी जायदाद खरीद ली है जिसे उन्होंने बड़ी ही मेहनत से बनाया था। ये रहे कागजात। और हाँ, ये कागजात तुम्हारे बनाए हुए कागजात की तरह नकली नहीं, असली है। अच्छा, तो ये चाल तुम्हारी थी? वो क्या है कि चाल का जवाब तो चाल से ही दिया जाता है, वरना इस चालबाज दुनिया में इंसान अपनी चाल भी भूल जाता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खून पी जाएंगे मेरा। हमें मालूम था कि आप हमारे साथ यही करेंगे। इंस्पेक्टर, हमारा खून पीने से पहले इंस्पेक्टर साहब की परमिशन तो ले लो। रवि, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमें घर से निकाल रहे हो? तुमने भी तो अपनी सगी माँ और अपने सगे भाई को इसी घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। इंसान को अपना अकाउंट इसी दुनिया में पूरा करना पड़ता भैया। रवि, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हमें इस घर से मत निकालो, आखिर हम इस घर की बहू है। बहू का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने अपनी माँ जैसी सास को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। सच कहा है किसी ने कि औरत अगर देवी बन जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर शैतान बन जाए तो उसी घर को नर्क बना देती है। तुमने भी तो इस घर को नर्क बना रखा है। चलो निकलो यहाँ से, ताकि मैं इस घर को दोबारा स्वर्ग बना सकूं। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो जाओ से निकलो। हाँ हाँ, जाते हैं। तुम समझते क्या अपने आपको? मेरे भाई अभी जिंदा है। दीदी चलो यहाँ से, चलो अजय। भैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उस कमीने रवि ने कार, घर, फैक्ट्री सब पर कब्जा कर लिया और हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। भैया अब तो बस आपका ही सहारा है, हम सब इसलिए यहाँ आ गए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, कितना जुल्म किया आप लोगों पर। लेकिन मैं पहचाना नहीं, कौन है आप लोग? भाई साहब, आप हमें नहीं पहचानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुल्लू, तुम पहचानते हो उनको? नहीं भैया, मैंने तो इन लोगों को पहले कभी देखा ही नहीं। हाँ शायद गलती से यहाँ आ गए। आप लोगों के पास पता वगैरह तो ठीक है या नहीं? क्या आप अपनी सगी बहन को भी नहीं पहचानते? सगी बहन? सगी बहन? सगी बहन? देखो बेबी, हमारे बाप ने सिर्फ ये दो बेटे पैदा किए थे। उन्हें एक बेटी की चाह जरूर थी, इसलिए उन्होंने फुटपाथ पर पड़े हुए किसी भिखारी से तुम्हें खरीद लिया और वो परलोक सिधार गए। मगर हमने दो आज्ञाकारी बेटों की तरह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया
तुम्हारी शादी की, ताकि हमारे पूज्य पिताजी की आत्मा को शांति मिले और तुमसे पीछा छूटे। लेकिन तुम अपने साथ तीन और अनाथ लेकर हमारे घर आ गई। अरे भाई, ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। हम पर रहम करो भैया, ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? और मुन्ना भी बहुत बीमार है। तो ले जाओ इसे किसी खराती अस्पताल में, और तुम भी वहीं चली जाओ जहाँ से तुम आई थी, फुटपाथ पे। और साथ में इन तीन जोकरों को भी लेके जाओ, न काम के न काज के। साथ में मिलजुल के रहोगे तो मजा आएगा। अरे देखते क्या चल रही। आउट आउट आउट। बाबा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, एक रात के लिए हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ हाँ बेटे, अगर हम गरीब की कुटिया में रहना चाहते हो तो बेशक रह सकते हो, आओ हमारे साथ। आप अकाउंट्स नहीं जानते, टाइपिंग नहीं जानते, डिक्टेशन नहीं ले सकते और नौकरी चाहते हैं, कमाल है। सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मैं धीरे धीरे सब काम सीख लूंगा। हमारा ऑफिस कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, प्लीज गो। सर प्लीज, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत मैं कहता हूँ प्लीज गो। सॉरी मिस्टर अजय, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। सर प्लीज, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ना आपके पास कोई डिग्री है, ना कोई तजुर्बा है, हम आपको क्या काम दे सकते हैं? सर कोई भी काम दे दीजिए। सर मैं चपरासी का काम भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर अजय, हमारा चपरासी भी बीए पास है। सॉरी, आप जा सकते हैं। वक्त है सुधर जाओ, वक्त की कदर करना सीखो। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। नाकदर इंसान के पास जब भी वक्त आता है, बुरा वक्त बनकर आता है। याद रखना मेरी इस बात को, नाकदर इंसान के पास जब भी वक्त आता है, बुरा वक्त बनकर आता है। याद रखना मेरी इस बात, 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 याद रखना मेरी इस बात। दीदी जरा देखो ना, इसे बहुत तेज बुखार है, अब तो इसकी दवा के लिए भी पैसे नहीं है। हम तो वैसे ही भूखे पैसे दिन गुजार रहे हैं, लेकिन इस मासूम का क्या होगा? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। दीदी धीरज रख डॉली, भगवान सब ठीक कर देगा। कोई काम मिला? नौकरी के लिए कहां कहां धक्के नहीं खाए, लेकिन कोई हमें काम देने के लिए तैयार ही नहीं। अजय, मुन्ना बुखार से तप रहा है, इसे दवा की जरूरत है। अजय, इसे दूध की जरूरत है। कुछ करो अजय, कुछ करो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अजय, मेरे बच्चे की जान बचा लो। तुम घबराओ मत डाली, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। अजय अजय अजय, पैसा क्या होता है? एक एक पैसा जमा करो तो एक रुपया बनता है, एक एक रुपया जमा करो तो 100 रुपया बनता है, 100 रुपया जमा करो तो 1000 बनता है, 1000 जमा करो तो लाख, और लाख से करोड़ बनता है। ये एक पैसा करोड़ रुपए का बीज है। जो आदमी बीज की परवाह नहीं करेगा, न वो फसल उगा सकता है, न फल पा सकता है। बस बस, सामानिया रख दो। आजा जी, ये रहे तुम्हारे पैसे। शुक्रिया अजय। अजय ये देख, हमारी मेहनत की पहली कमाई, जिंदगी में पहली बार पसीना बहा के हमने ये पैसे कमाए। हाँ भैया, बाबूजी सारी जिंदगी अपने पैरों पे खड़े होकर अपने हाथों से अपनी रोटी कमाने की नसीहत करते रहे, मगर हम अंधे लालची
समझ ही नहीं पाए। और आज आज हमने बाबूजी को गवा दिया। हाँ जी, काश काश बाबूजी जिंदा होते तो देखते, उनके बेटों ने मेहनत करना सीख लिया है। काश बाबूजी जिंदा होते अजय, काश बाबूजी जिंदा होते। बाबूजी जिंदा होते क्या मतलब बेटे? तुम्हारे बाबूजी जिंदा हैं और तुम्हारे सामने खड़े हैं। हाँ बेटे, मैं जिंदा हूं। बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बाबूजी। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बस बस, हमें माफ कर दीजिए। उठो बेटे, उठ, उठ, उठ। बस बेटे, बस। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मगर जो इंसान खुद मेहनत करके दौलत कमाने की सलाहियत न रखता हो, ऐसे इंसान के हाथ में कभी दौलत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दौलत तो चली जाती है मगर जाते जाते हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर जाती है। और जो बाप अपनी औलाद को मेहनत का सबक सिखाने के बजाय उनके हाथों में दौलत दे देता है, वो अपनी औलाद से हमदर्दी नहीं करता बल्कि उनके हाथ काट दिया करता है। और मैं अपनी औलाद के हाथ नहीं काटना चाहता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। बस बेटे, बस। लेकिन बाबूजी, एक्सीडेंट हुआ कैसे? बेटे, मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था। करवाया गया था? हाँ, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी। किसने? किसने बाबूजी? वही जिसने तुम लोगों को गुमराह किया, वही जिसने बाप बेटों के बीच नफरत की दीवार खड़ी की, वही जिसने हमारा घर बर्बाद किया, गोगी ने। गोगी? गोगी भैया, भैया, मनीरामी धनीराम है, उसने अपनी औलाद को सुधारने के लिए ड्रामा किया था। अब हम लोग यहाँ से पैसा लेके भाग चलते हैं, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे ओ चोकरो, तुम्हें तो फुटपाथ पे भेजा था, ये रोड पे कहाँ से आ गए? तुम जैसे कातिलों को जेल पहुँचाने के लिए। तुम हमें क्या जेल पहुँचाओगे? उससे पहले हम ही तुम्हें ऊपर पहुँचा देंगे। देखते हैं कौन किसको ऊपर पहुँचाता है। भैया, भैया, रवि, हाँ, विजय भैया को भेजो। घर को बर्बाद करने वाले कुत्ते, आइए आइए आइए। ओ, दूसरा भी आ गया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। यही है वो राहु केतु। ताली, हमारी बहन
हमें बचा लो। डॉली मेरी प्यारी प्यारी बहन प्लीज हमें बचा लो। मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है ये लोग? अरे हम तेरे भाई है भैया, तेरे अपने सगे भाई है। भाई मेरी माँ ने सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया था और उससे बेटों की कोई तमन्ना नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को इनके असली घर पहुँचा। पकड़ लीजिए नहीं तो भाग जाएंगे। कहाँ जा रहा राहु केतु? अपनी ससुराल में जाकर आराम कर। सारे मजदूरों का खून पी गए थे, अब खटमल तुम्हारा खून पियेंगे। ले जाइए इनका। विजय ये क्या है? बाबूजी आज तक हम गलत दौलत के पीछे भाग रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जो इंसान दौलत को दरिया की तरफ बहाता है दरिया दिल वही कहलाता है, लेकिन नहीं। आज हमें एहसास हुआ कि जो आदमी अपने मुंह के झरने से प्यार के शब्द गिराता है, अपने दिल के दरिया से प्रेम का सागर बहाता है, असली दरिया दिल वही कहलाता है बाबूजी। हाँ, और वो आप हैं बाबूजी। मालिक जिससे खुश होता है मेहनत है वो पूजा, हिम्मत का ही मेहनत का ही किस्मत नाम है दूर।